الحمد لله الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم ونشكره على المسائل كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى أهله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقران اللذين واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. الم رب العزه इस कुरान को हमारे लिए हुज्जत बनाना, हमारे खिलाफ ना हुज्जत बनाना, एक हदीस का मफहूम है कि रोजे और कुरान दोनों कयामत के दिन गवाही देंगे। तो दोनों अल्लाह करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों के दोनों हमारे हक में गवाही दें, हमारे खिलाफ गवाही ना दें, हम ऐसे अमाल ना करें कि ऐसा कुछ कमाने कि जिनके वो कहते हैं ना, जिस पे तकिया थे, जिस पे सहारा था, वही जो पिलर्स हैं हमारे, जिनका सहारा लेके हमें कयामत के दिन खड़े होना है, कुरान जिससे ताल्लुक बनाना है, वही मिल जाए हमारे। जी, ग्रुप में किसी ने नया ज्वाइन किया है, प्लीज कोई आप में से उन्हें लिंक भेज के अपडेट कर दे कि क्लास शुरू हो गई है। उनके पास लिंक वगैरह नहीं होगा, हम शुरू करते हैं। सूरह अनाम, ये है हमारा 8वां पारा और रुब हो चुका है हमारा, दैट इज सूरह अल अनआम की आयत नंबर 140 शुरू करेंगे हम, आयत नंबर 141 से इंशाल्लाह शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حق يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. वहुवा लज़ीर अल्लाह, वो ज़ात है जिसने पैदा किए बागात। कैसे बागात हैं? मारूशात वगैरह मारूशात, कुछ छतों पर चढ़ाए हुए हैं, बेले आ जाती हैं, ऊंचे दरख्त हो गए, और गैर मारूशात जो छतों पे ना हो, जो जमीन तक रहती हैं, जैसे क्रीपर्स होते हैं दूसरी बेले। असल में वेराइटी मेंशन करना मुराद है कि किस किस तरह के पौधे अल्लाह ने बना दिए और क्या बनाए। खजूर के दरख्त, खेत मुख्तलिफ हैं इसके खाने, और जैतून और अनार आपस में मिलते जुलते हैं और आपस में मिलते जुलते भी नहीं है, मुख्तलिफ तरह के भी और एक दूसरे से मैच होते हुए भी फल फ्रूट हैं। कुलू खाओ, मिन समरी ही इसकी पैदावार में से, जब वो फल लाए, यानी जब खेती काटो तो खुद भी खाओ। वह आतु हक्का हो यौम हसादी, और दो इसका हक इसकी कटाई के दिन, यानी दूसरों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ। कटाई के दिन कौन सा हक देना होता है? देखिए, जक़ात जो होती है मुख्तलिफ है ना, आपको पता होगा, जो खेत होते हैं इनके ऊपर जकात होती है, उशर कहलाती है। उशर कहते हैं खेत का 10वां हिस्सा। साल में भले 4 दफा भी आप लगा रहे हैं उसके ऊपर, खेत लगा रहे हैं, 2 दफा लगा रहे हैं, 3 दफा, जितनी दफा फसल उतरेगी, तो अगर पानी जो है वो आप खुद दे रहे हैं, पानी का इंतजाम आप खुद कर रहे हैं, खुद कोई ट्यूबवेल बनाया, नहरें खोदी हैं, तो फिर आप जितनी भी पैदावार उतरेगी उसका 10वां हिस्सा जकात में जाता है। और अगर पानी भी अल्लाह की तरफ से आ रहा है तो फिर क्या होता है कि हम 20वां हिस्सा देते हैं। जी, मस्नूई तौर पर इस्तेमाल किया जाए, सॉरी ये उल्टा है, मस्नूई तौर पे। हाँ, ये लाजमी सी बात है, हम खुद मेहनत कर रहे हैं ना, तो जब हमने मेहनत ज्यादा की, पानी का इरिगेशन सिस्टम हमने खुद बनाया, तो 20वां हिस्सा जाएगा ज़कात का। और जब आसमान से पानी बरसता है या खुद ब खुद वो फसल हो जाती है, कोई पानी का सिस्टम कुदरती तौर पर, तो फिर आप उस पर 10% देते हैं। इन वला दूसरी फोर, नहीं करने वाला काम क्या है? इसराफ नहीं करना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। इसराफ क्या है? खुद खाने में भी और दूसरों को देने में भी, दोनों कंडीशन में एतदाल से काम लेना, ठीक है। वमिन अल अनआम, आयत नंबर 142, और मवेशियों में से कुछ उठाने वाले हैं, यानी छोटे कद के हैं,
हाँ उसमें से जो रिस्क दिया तुमको अल्लाह ने, और तुम पैरवी ना करो शैतान के कदमों की, बेशक वो तुम्हारे लिए खुला खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। यानी हमारे फायदों की चीजों से भी हमें दूर करता है। खाने पीने की बात हो रही है ना, यानी खाने की चीजों में कैसे दूर करेगा, हलाल चीजों से कैसे नुकसान पहुंचाएगा, उसमें इसराफ करवा देगा, या तो बुखल करवाएगा या इसराफ करवाएगा। और आमतौर पर खाने पीने की चीजें जो हमारी पसंदीदा होती है, उसमें हम इसराफ करके अपना नुकसान करते हैं, या ऐसे ही बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर, ये तो खेत वगैरह की फसल की बात हो रही है, जनरल बात भी है। समानियत अजवाज 8 जोड़े हैं, मिन दानिल इथनैन, भेड़ में से दो और बकरी में से दो। कह दीजिए, क्या दो मुजक्कर इसने हराम किए, या दो मादा, या वो हराम किया जिनके जो इनके अरहाम के अंदर है, इनके पेटों में है। देखिए पीछे सूरह नाम है, अल्लाह की निशानियां है। पीछे बात हो रही थी कि जो कुफारे मक्का थे वो खुद को दीन इब्राहिमी पे कहते थे, और कहते थे फलां बकरी फलां ऊंट है, अगर इसका बच्चा पैदा होगा जिंदा तो हम खा लेंगे, और मुर्दा पैदा होगा तो हम खाएंगे, औरतें नहीं खाएंगी। मुख्तलिफ तरह के उन्होंने चीजें बना रखी थी हराम हलाल की। जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मेरे ख्याल नेट में हुआ है, अब मेरी आवाज आनी चाहिए आपको। विल यू प्लीज कंफर्म? या वी आर बैक। थैंक यू, जजाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि इनसे पूछो कुफारे मक्का से कि तुम, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह ने दलील मांगी है बेसिकली, ये जो तुमने इन अनाम में ये जो भेड़ बकरियां हैं, जो जिन्हें क्या कहते हैं इन शॉर्ट, मवेशी जानवरों में जो तुमने हराम हलाल बना रखे हैं, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें इसकी वसीयत की थी? फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबा, आयत 144। तो कौन ज्यादा बड़ा जालिम है इससे जो घड़ ले अल्लाह रब्बुल इज्जत पर झूठ, ताकि भटका दे लोगों को बगैर इल्म के। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत नहीं देता जालिम लोगों को। आयत 145। कुल अजीदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला तुअइमी यतअमुहा इल्ला अन यकुना मैता। अब देखिए मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से बता रहे हैं कि असल हराम हलाल क्या है। अब मैं बताता हूँ, अब वो सुनो। कुल कह दीजिए मोहम्मद इनसे कि मैं नहीं पाता इसमें से जो वही किया मेरी तरफ, मतलब मैं कुरान में नहीं पाता कि हराम शुदा ऊपर किसी खाने के वो खाता हो इसको, मगर ये कि, अब ये हराम की डिटेल आ रही है कि असल हराम क्या है, इस्लाम में हराम हलाल की क्या तफरीक है, कि वो हो मैता मुर्दार औदमा या खून मसफूहा, खून बहता हुआ खून हराम होता है। आप गोश्त को कितना भी धोएं उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खून मौजूद होता है, तो जो खून ठहर जाए आपकी कोशिश के बावजूद भी ना निकल सके, और जबीहा अपने हलाल तरीके पे जिबा गया जानवर को, फिर भी वो नहीं निकल सका जितना निकलना था निकल गया उस तरीके के मुताबिक, तो फिर बाकी खून जो रुक गया वो हलाल है। दूसरे लफ्जों में ये जैसे कलेजी है, तिल्ली है, स्प्लीन जिसे कहते हैं, कलेजी लिवर को कहते हैं, उसके अंदर खून होता है लेकिन वो बह नहीं रहा होता, वो काइंड ऑफ जमा हुआ होता है। और लहमा खिंजीर, या तीसरी चीज क्या आ गई है, खिंजीर का गोश्त, फइन्नहु रिज्स, तो वो नापाक है, और फिस्का, या वो नाफरमानी है, क्या उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बी, जो पुकारा गया अल्लाह के साथ अल्लाह के अलावा किसी और के लिए। कोई ऐसा जानवर जिबा करते वक्त जिसको अल्लाह के अलावा किसी के नाम से मंसूब किया जाए वो हराम है। इस पे डॉक्टर इसरार अहमद साहब का बिल्कुल वाज फतवा मौजूद है, और फरहत हाशमी का भी यही है कि जिबा करते हुए अगर हम उस किसी और के नाम की नजर बना दें उस जानवर को तो वो हराम हो जाता है। एक तो ये है ना कि जिबा करते वक्त आपने अल्लाह का नाम लेना, अल्लाहु अकबर कहना, बिस्मिल्लाह कहना, तो ये तो लाजिम है ही है। अगर कोई इसके हवाले से भी इसको कर रहा है, जिबा कर रहा है, बिस्मिल्लाह कह के कर रहा है, अल्लाहु अकबर कह के कह रहा है, लेकिन वो इसको मखसूस कर देता है कि फला बुजुर्ग के नाम का ये जानवर है, फला पीर के नाम का ये जानवर है, फला पीर की नजर है ये जानवर, तो ये फतवा बहरहाल मौजूद है कि वो जानवर फिर हराम हो जाता है वो गोश्त। अब इसमें देखिए आस्तानों पे जिबा किया हुआ पहले ही हम देख चुके हैं, आस्तानों पे जो जबिया होता है वो हराम होता है। इस तरह के जानवर अक्सर मजारों पे ले जाके जिबा किए जाते हैं, फिर उनकी देगे बनवाई जाती हैं, फिर वो बांटा जाता है, तो इस चीज को प्लीज सब जहन में रखें।
पमन तुर्र गया बागी वाला आ, तो जो कोई मजबूर ना किया गया हो और सरकशी करने वाला हो ना हो, यानी आप पे प्रॉब्लम आ गया तो फिर हराम भी हलाल है, लेकिन बाग और आद ना हो, मतलब इतना ही खाएं कि बस आपकी जिंदगी बच जाए। फइन्ना रब्बका गफूर रहीम, तो बेशक तेरा रब गफूर रहीम है, आयत 146। वअला लजीना हादू हर्रमना कुल्ला दी जुफर, और ऊपर इन लोगों के जो यहूदी बन गए वो खुद यहूदी बने, ठीक है, अल्लाह ने तो मुसलमान ही बनाया था, तो जो यहूदी बन गए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नाखून वाले को इन पर हराम कर दिया। नाखून वाले परिंदे हैं, जानवर हैं, ऊंट है जिनका खुर आगे से कटा हुआ होता है, बीच में से दो हिस्से होते हैं, तो ये नाखून वाले ये इन पर इनकी हरकतों की वजह से हराम हुए। बाद में आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नई शरीयत लेकर आए तो फिर इसको दोबारा से करेक्ट कर दिया गया। वह मिनल बकरी वल गनमी, और गाय में से और बकरी में से, और हराम की हमने इन पर इन दोनों की चर्बियां, मगर वो जो उठाई हुई हो इन दोनों की पीठें, तो जो हलाल जानवर थे बकर और गनम उनमें से भी जो चर्बियां थी, जैसे लोग पहले करते थे ना, वो चर्बियां पिघला कर रख लिया करते थे और उसे बकायदा उसे बेचा जाता था, अभी भी उससे मेडिसिन बनती है और उस चर्बी में खाना पकाया जाता है, उसे बहैसियत फैट इस्तेमाल किया जाता है घी की जगह तेल की जगह, तो वो इन पर हराम थी। मगर जो अविल हिवाया, जो आंतों में मिल जाए या हड्डी के साथ, यानी हड्डी के अंदर जो गूदा या हड्डी से कोई मिल गई या आंतों में मिल गई है, वो चर्बी जो थी इन पर हलाल थी, बाकी जानवर में जितनी चर्बी निकलनी है वो हराम है। दाल का जजई ना हो, और कौन सी चर्बी है, इल्ला मा हमलत जुहूरहुमा, जुहूर कहते हैं जो पीठ के ऊपर चर्बी हो, ठीक है, गाय और बकरी में जो पीठ के ऊपर चर्बी हो वो भी हलाल थी इनके लिए। दाल के जजाई ना हम भी बगीहीम, ये बदला दिया हमने इनको इनकी सरकशी की वजह से, और बेशक अलबत्ता हम सच्चे हैं। फ इन कदबूक, फिर अगर वो झुटला दें तुझको तो कह दीजिए कि तुम्हारा रब वसी रहमत वाला है, और नहीं फेरा जाता अजाब इसका मुजरिम कौम से, यानी दुनिया में चले ठीक है बचत हो जाएगी, लेकिन अजाब जो मुजरिम है जो जुर्म करेगा उसको हिसाब तो देना ही है, यहाँ नहीं तो आखिरत में। आयत नंबर 148। सयकूलुल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना, अनकरीब कहेंगे वो लोग जिन्होंने शिर्क किया, अब यहाँ कौन है, मुशरिकीन मक्का मुराद है, अगर चाहता अल्लाह ना शिर्क करते हम और ना हमारे अबा अजदाद शिर्क करते और ना हम हराम करते कोई चीज, इसी तरह झुटलाया उन लोगों ने जो इनसे पहले थे, यहाँ तक कि उन्होंने चख लिया अजाब हमारा, यानी अबा उस्ताद पे डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह ही की तो मर्जी थी, ये जो हमने बहीरा साहिबा ये जो जानवर बनाए हुए, ये हराम है ये हलाल है, ये सब अल्लाह चाहता तो फिर हमारे अबा उस्ताद से भी ना करवाता, अल्लाह चाहता है तो हमने बनाया। उन्होंने एक दलील दी, पीछे उनसे दलील मांगी गई थी ना कि तुम क्या गवाह थे उस वक्त जब अल्लाह ये अहकाम उतार रहे थे, लाओ लाकर दिखाओ कहीं लिखा हुआ है, उनके पास तो कोई दलील नहीं थी। कुल हल इंदकुम मिन इल्म, कह दीजिए क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है, बस तुम निकालो इसको हमारे लिए, नहीं तुम पैरवी करते मगर गुमान की और नहीं तुम करते मगर कयास आराइयां। कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, आयत 149। कह दीजिए बस अल्लाह ही के लिए हुज्जत पहुंची हुई, बालिगा कहते हैं ऐसी जो दिल तक पहुंच जाए चीज, जो गहराई में उतर जाए। पलो शाह अल हदाकुम, अगर वो चाहता अलबत्ता हिदायत दे देता तुमको सबके सबको। कह दीजिए हाजिर करो अपने गवाहों को, इनको जो गवाही देते हैं कि बेशक अल्लाह ने हराम किया है इसको। फइन शहीदु, फिर अगर वो गवाही दे, फला तशहद माअहुम, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम उनके साथ गवाही ना देना, तुम उनके साथ ना मिल जाना। अब ये होता है जब 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 खबीस की कसरत होती है ना, तो सब कहते हैं भाई आजकल तो यही सिस्टम है ऐसे ही चलता है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कहा जा रहा है कि तुम उनके साथ गवाही में शामिल ना हो जाना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शामिल नहीं होने वाले थे। मुराद ये होती है कि जब किसी चीज की कसरत हो जाती है ना तो हम हराम पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अब जैसे सूद के हवाले से बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, वो कहते हैं भाई कैसे सिस्टम चलेगा, वो अपने निजाम के अंदर अपने बिजनेस के अंदर वो सूदी कर्जे उठाते हैं और वो उससे बिजनेस करते हैं, कहते हैं क्या करें भाई। तो ये होता है कि किसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पीछे फरमाया, हम देख कर आए कुरान में कि हराम की कसरत से हराम कोई हलाल नहीं हो जाएगा, हमने आयत की पूरी तफसीर पढ़ी है अभी कि वो वला वाजबत कुम, चाहे वो तुम्हें अच्छा ही लगे हराम हराम ही है। वला तत्तबि अहवा अल्लदीन कद्दबू बि आयातिना, और ना तुम पैरवी करो इन लोगों की ख्वाहिशात की जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, और वो लोग ईमान नहीं रखते आखिरत पर और वो अपने रब के साथ यादिलून हमसर बनाते हैं। तो दलील से बात हो रही है, दलील जब बंदा रिजेक्ट करता है तो फिर क्या बचा, फिर आपकी ख्वाहिश बचती है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो आपको अच्छा लगता है आप उसको पिक कर लेते हैं। तो या तो बंदा दलील पे चलेगा, इस आयत में ही समझाया जा रहा है, और अगर आपने दलील पे नहीं चले आप तो 100% आपको तीसरा रास्ता नहीं, आप अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी कर रहे थे। आयत नंबर 151। कुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, गौर से देखीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से अल्लाह रब्बुल इज्जत कहलवा रहे हैं कि कुल कह दो मोहम्मद, तआलौ आओ
अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ तुम्हारे रब ने तुम पर क्या हराम हराम किया है। नंबर वन, अल्लाह तुशरिकु बिही शैआ, कि तुम शरीक न ठहराओ अल्लाह के साथ किसी को भी। व बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो। देखिए दोबारा आया, ये पीछे भी पढ़कर आए हम, कितना बड़ा हक है वालिदैन का। अल्लाह के फौरन बाद वालिदैन का हक आ रहा है। वालिदैन का बहुत ऊंचा रुतबा है, मतलब घर में चलती फिरती जन्नत है। और अगर दुनिया से जा चुके हैं, उन्होंने हज नहीं किया हुआ, हज्जे बदल करें आप उनके लिए। अब आप खिदमत नहीं कर सकती ना उनकी, वैसे भी शादी होकर हम सास ससुर की ज्यादा खिदमत करते हैं, वालिदैन की मौका नहीं लगता। तो लाजिम उनके नाम का अगर मुमकिन हो सके हफ्ते में एक दिन बना लें, ये मैंने अपने अम्मी अबू के नाम का सदका देना, हमने खिदमत करनी है उनकी, तो यही खिदमत है। अब उनके नाम का कोई सदका, जुम्मे को भले 50 रुपए निकालें, भले 10 रियाल निकालें, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक दे, हफ्ते में एक दिन मुख्तस कर सकते हैं वालिदैन का नाम का सदका है। फिर दूसरी चीज, अगर उन्होंने हज्जे बदल नहीं किया है तो उनका हज्जे बदल करें आप। अगर ऐसे सिचुएशन में कि आपने अपना फर्ज हज किया हुआ है, तो आप करें, आप नियत कर लें, अल्लाह मुझे मेरा भी हज करवा, मुझे तौफीक दे, मैं अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकती, मैं उनका हज्जे बदल कर सकूं, एक ये उनकी बहुत बड़ी खिदमत हो सकती है। फिर दूसरी चीज, रोजों का फिदिया, अगर वो अक्सर लोग बीमार होके चले जाते हैं दुनिया से, उनके रोजे जमा हुए भी होते हैं, मालूम करें घर वालों से कितने रोजे हैं और उसका फिदिया दें। कजा रख सकते हैं तो औलाद कजा भी रख सकती है, अगर आपने अपने रोजों की कजा रखी हुई है तो आप अम्मी अब्बू के रोजों की कजा भी रख सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। होता असल में ये है, जब माँ बाप दुनिया से जाते हैं तो उनका जो वर्षा छोड़ के जाते हैं ना, जो पैसे पीछे छोड़ के जाते हैं, उसमें से पैसे निकाले जाते हैं, हज्जे बदल के भी और रोजों का फिदिया वगैरह भी निकाला जाता है उनसे। लेकिन हमारे माशरे में ये निजाम नहीं है, विरासत की पता आपको तकसीम नहीं होती। तो असल में तो ये होना चाहिए कि जो बेटे हैं वो, अगर उन्होंने अपना हज नहीं भी किया तो वो, और किसी बहन ने हज किया हुआ है, या कोई फूफी है, कोई खाला है, कोई चाची ताई है, किसी ने हज किया हुआ है, तो वो पहली फुर्सत में, क्योंकि मरने वाला जा चुका है मर के, अब वो विरासत में से सबसे पहला हक यही था उसका कि उसके मामलात पहले पूरे किए जाते। तो बेटे बेटों को चाहिए कि वो उस प्रॉपर्टी को, भले उनको बेचना भी पड़े, कुछ हिस्सा फरोख्त करना पड़े, फरोख्त करें, और वो हज्जे बदल के पैसे किसी को दें कि आपने अपना हज किया हुआ है, आप हमारे अम्मी अब्बू का हज कर लें, और खुद करें तो क्या ही बात है, क्योंकि बेटा जो दुआ करेगा अपने माँ बाप के लिए तो वो कोई और तो नहीं करेगा। तो ये उनकी खिदमत है। वाला तक्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, तीसरा जो हराम है इस्लाम में बड़े बड़े वो बयान हो रहे हैं, तो जो करना है जो नहीं करना उनकी डिटेल आ रही है, और क्या नहीं करना। वाला तक्तुलू, और ना तुम कत्ल करो अपनी औलाद को तंग दस्ती की वजह से। ठीक है, दुनिया में बच्चा आ चुका है, अबॉर्शन नहीं करा सकते, हार्ट बीट आ गया, अब अबॉर्शन नहीं करवा सकते कि मैं कैसे इसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी। नहनु नरजुकुकुम वैयाहुम, हम रिस्क देते हैं इनको भी और तुमको भी। वला तकरबू, और ना तुम करीब जाओ फवाहिश के। फवाहिशा का है ऐसी बुराई, फाहिशा ऐसी खुली बुराई जिसका असर दूसरों पर भी पड़े, ओपनली आप ऐसे काम कर रहे हैं। माँ जहरा मिनहा वामा बतन, अब ये दोनों होते हैं ना, एक तो जो जाहिर है अलल ऐलान आप कोई फवाहिश कर रहे हैं, फाहिशा कर रहे हैं, और वो जो छुपी हो, छुपी भी फवाहिश कौन सी है, देखें इसका असर दूसरों से आप हसद रखेंगे, इसका असर भी दूसरों पे पड़ता है। तो हसद, कीना, बुगज, अदावत, ये सब भी फवाहिशा में आती है, इनका असर दूसरों पे पड़ता है। वला तक्तुलु नफ्सल्लती हर्रमा हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, और ना तुम कत्ल करो किसी जान को वो जो हराम की अल्लाह ने मगर हक के साथ। कब कब कत्ल हो सकता है? मुर्तिद का कत्ल हो सकता है किसी जान के बदले, कत्ले अमद जो होता है, जानबूझ के किसी ने किसी का कत्ल किया मोमिन का, तो फिर वो कत्ले अमद में उसका कत्ल हो सकता है। और फिर जो जानी होता है शादीशुदा, उसका कत्ल होता है रजम। और एक और है, कोई चौथा भी है, उसका भी इंशाल्लाह अल्लाह मेरा शरह सदर करे, याद आता है तो मैं आपको बताती हूँ, अल्लाह मेरे लिए आसानी करे। वालिकुम वसाकुम भी, ये बात वसीयत करता है वो तुम्हें इसके साथ, ताकि तुम अकल से काम लो। अच्छा जी, फरहत हाशमी की तफसीर में ये तीन ही बयान हुए जो मैंने आपको बताया जिनका कत्ल जायज है, लेकिन इसरार अहमद साहब ने एक और चौथा भी बताया था, तो वो उस वक्त मैं पॉइंट नोट ना कर सकी, इंशाल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक दे, मुझे याद आए मैं आपको बताऊं। आयत नंबर 152, वाला तकरबू माल यतीमी इल्ला बिल्लती हिया अहसन, और ना तुम करीब जाओ यतीम के माल के मगर एहसन तरीके साथ, ऐसे तरीके के साथ जो अच्छा है, यहाँ तक कि वो पहुंच जाए अपनी जवानी को। और पूरा करो कैला वल मीजान बिलकिस्त, नाप को और तोल को। नाप क्या मतलब है? कोई लिक्विड नापने वाली चीज, या कोई कपड़ा वगैरह नापते हैं तो वो कैल में आएगा, और मीजान क्या है? ठोस चीज, ठोस चीज के लिए। दोनों का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दोनों को अलग अलग मेंशन किया जा रहा है, वरना एक लफ्ज में बयान हो सकता था। बिलकिस्त, इंसाफ के साथ। अब अगर किसी दूध वाले ने दुकान पे ये लिखा हुआ है ना कि मन गशा फलैसा मिन्ना गालिबा, एक हदीस है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, कुछ अरबी के शायद अल्फाज, मैंने बहुत अरसे बाद ये हदीस रिकॉल की, हो सकता है अरबी का लफ्ज आगे पीछे हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए मुझे। तो अगर किसी ने हदीस लिख के दूध वाले ने दुकान पे लगाई हुई है, मैं बड़ी, एक दफा मेरे साथ हुआ, मैं बड़ी मुतासिर हुई, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि हदीस लगाने में उसने ये नहीं लिखा हुआ कि मैं मिलावट नहीं करता,
हदीस उन्हें लगाई हुई रखे, क्योंकि ये आम है। देखिए कुरान में बकायदा ये हराम हलाल की लिस्ट में आ रहा है, ये मेंशन करने की मेरी बात ये थी कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बकायदा ये मोटे मोटे जो बताए जा रहे हैं उसमें ही मौजूद है। ला नुकल्लिफु नफ्सन, और नहीं हम तकलीफ देते किसी जान को मगर उसकी वसत के मुताबिक, और जब तुम बात करो तो अदल करो, वलो कानदा कुर्बा, और अगर चाहो करीबी रिश्तेदार, और अल्लाह के साथ अहद को पूरा करो। कौन से अहद है? अल्लाह के अहकामात हैं जो कुरान में बयान हो रहे हैं, कुरान की पैरवी है, अशहदु ला इलाहा जो हम कहते हैं यानी तौहीद पे जमा रहना, अहद अलस भी हो सकता है, दालिकुम वस्वाकुम भी, ये बात है वसीयत करता है वो तुम्हें इसके साथ ताकि तुम तदक्करो नसीहत पकड़ो। आयत 153, व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा, और बेशक ये मेरा रास्ता है सीधा, पस पैरवी करो इसकी, और ना तुम पैरवी करो रास्तों की वरना वो जुदा कर देंगे तुमको। शैतान जुदाई डाल देगा, इधर उधर जाते रहोगे, कुरान पकड़ लो मजबूती से, ये कहा जा रहा है। अनसबीली इसके रास्ते से यानी असल रास्ते से, अल्लाह के रास्ते से बहका देगा शैतान। वालिकुम वस्वाकुम भी, ये बात वसीयत करता है वो तुम्हें इसके साथ, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक्वा इख्तियार करो। आयत 144, सुम्मा आतैना मूसल किताब, फिर दी हमने मूसा को किताब नेमत को पूरा करने के लिए, ऊपर इसके जो नेकी करे, और किताब की क्या है बातें हैं तफसीला, वो तफसील थी हर चीज के लिए, और बाइस हिदायत बाइस रहमत था कि वो अल्लाह अपने रब की मुलाकात का ईमान ले आए। ये किसके लिए था? बनी इसराइल के लिए। कुरान आने के बाद ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब कुरान के ऊपर है, कुरान अब ये सारे काम करती है। वहादा किताब, और ये किताब यानी कुरान, अनजलनाहु मुबारक, नाजिल किया हमने इसको बाबरकत है। बाबरकत यानी बोरी का बरा का, इसका मतलब होता बाबरकत ऐसी चीज जिसके अंदर बहुत कुछ सिमट जाए। तो तौरात बयान करके जब कुरान को बाबरकत कहा जा रहा है, इसका मतलब है तौरात की पिछली किताबों के जो आसमानी किताबें थी सारे अहकाम अब इसमें सिमट गए। फत्तबिउहु, बस पैरवी करो इसकी, और तकवा इख्तियार करो ताकि तुम रहम किए जाओ। आयत नंबर 156, अंतकुलु इन्नमा उन्जिलल किताबु अला ताइफतैनि मिन क़ब्लिना, ये कि तुम कहो कि बेशक उतारी गई किताब ऊपर दो ग्रोहों के हमसे पहले। अब ये अहले मक्का, ये जो पीछे वाली आयत मैंने पढ़ी है 55, इसके हवाले से मुफस्सरीन ये कहते हैं कि अहले किताब से भी खिताब है ये, कि तुम पर तौरात नाजिल हुई थी, अब कुरान आ गया, तुमने कुरान की पैरवी करनी है। अब जो मैं आयत पढ़ने लगी 156, इसके बारे में मुफस्सरीन कहते हैं कि ये खास करके अब अहले मक्का के हवाले से बात है कि अंतकुलू, अहले मक्का ये कहें कि तो आपने तो दो ग्रोहों पर किताब उतार दी, यानी ये यहूद और नसारा में किताब आई। वहीं कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन, और हम तो इसके पढ़ने पढ़ाने से गाफिल थे। भाई इब्रानी जबान में थी, हम कैसे पढ़ते? अल्लाह ताला आपको अरबी में कुरान भेजते ना तो फिर हम पढ़ते। औ तकुलु लो अन्ना उन्जिला अलैना किताबु लकुन्ना हदा मिन्हुम, या के तुम ये कहो कि अगर हम पे किताब आती ना तो हम तो बहुत हिदायत पाते, ये यहूदी नसरानी ये तो कुछ नहीं करते, हम में प्रॉफिट आता तो हम तो बड़ी हिदायत पाते। ये सारी बातें होनी थी अल्लाह के इल्म में, अगर अल्लाह कुरान ना भेजता, अरबियों में कोई प्रॉफिट ना भेजता तो पूरी नस्ल यही बात कहती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे, फकत जाअकुम बय्यिना, तो तहकीक आ गई तुम्हारे पास खुली दलील यानी कुरान, तुम्हारे रब की तरफ से, और हिदायत है और रहमत है। तो कौन बड़ा जालिम है इससे जो झुठलाए अल्लाह की आयात को, वसदफा अनहा, और रोके इससे और रोके इनसे। अन करीब हम जजा देंगे इन लोगों को जो मुंह मोड़ते हैं हमारी आयात से बुरा अजाब, बवजह उसके जो वो मुंह मोड़ते थे। कुरान मौजूद है, काम हमारा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ पर्सन मौजूद है, जिन पे चलता फिरता कुरान थे ना, वो जिन पे पूरा कुरान की इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो अब यसदीफून है हम, मुंह मोड़ रहे हैं, या तो कुफारे मक्का मुराद है, और फिर बाद में हम सब भी जो मुंह मोड़े कुरान से। हल यनजुरूना इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, आयत नंबर 158, नहीं वो इंतजार करते मगर ये क्या आएगी इनके पास फरिश्ते, या आ जाए तेरा रब, या आ जाए बाज अल्लाह की आयात। योम ताती बादु आयात, जिस दिन आ गई बाज आयात तेरे रब की तरफ से, ना नफा देगा किसी शख्स को ईमान इसका जो ना था वो ईमान लाया इससे पहले, या इसने कमाई की अपने ईमान में किसी खैर को। यानी एक अब कुरान इनके पास है, दिल गवाही देते हैं, तो फिर किस वजह से रुके हुए, क्यों ईमान नहीं ला रहे? कुफारे मक्का को रख लें और आज के दौर में भी रख लें, कुरान अगर कोई वाकई पढ़ता है हकीकतन उसका दिल ठुकता है उसके ऊपर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि अब ईमान लाने में क्या रुकावट है, क्या ये फरिश्ते आ जाए, रब आ जाए? देखिए एक हदीस का मफहूम है कि तीन निशानियां जब नमूदार होंगी तो किसी को भी उसका ईमान लाना फायदा ना देगा, और अगर वो पहले से ईमान लाया है और नेक अमल नहीं किए हुए, मतलब अब नेक अमल आगे करेगा तो फिर वो बात नहीं होगी निशानियां देखने के बाद, क्योंकि आजमाइश खत्म हो जाएगी ना। वो निशानियां कौन सी है? नंबर 1, सूरज का मगरिब से तुलू होना। सूरज ये कायमत की बड़ी निशानी है, कायमत करीब है, आपने सूरज देख लिया मगरिब से तुलू हो गया, अब ईमान आप लाते हैं मुसलमान होते हैं, नो बेनिफिट। दज्जाल का निकलना और दाब्बतुल अर्द, दाब्बतुल अर्द और सूरज का मगरिब से निकलना आगे पीछे ही होना है, शायद इशराक के चाश्त के वक्त ये दाब्बतुल अर्द निकलेगा और उसी दिन शायद गालिबन सूरज जो है मगरिब से नमुदार हो जाएगा।
तो ये निशानियां तीन बड़ी बड़ी हैं। तो बहसियत कौम भी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, मुफस्सरीन फरमाते हैं, और ये बहसियत इंडिविजुअल भी फिर कोई काम नहीं आएगा बाद में मुसलमान होना, ये पहले ईमान ले आए और कुछ अच्छे काम ना किए, अब आप तौबा करने लगे और तौबा कबूल नहीं होगी इन शॉर्ट ये। इसके बाद कुल इंतजीरू, कह दीजिए इंतजार करो, बेशक हम इंतजार करने वाले हैं। आयत 159, इल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, बेशक जिन लोगों ने अलग अलग कर लिया अपने दीन को और वो हो गए ग्रो दर ग्रो यानी स्प्लिट हो गए। ला लस्तुम लस्ता मिनहुम शई, लस्ता मिनहुम फी शई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनमें से किसी चीज पे नहीं है। तो ग्रो बंदी करने वाले दीन पर नहीं होते, असल में अपनी ख्वाहिशात पर होते हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से महरूम हो जाएंगे। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, बेशक इनका मामला अल्लाह की तरफ से, फिर वो बता देगा इनको साथ इसके जो थे वो काम करते। मन जाअ बिल हसना, जो कोई लाया नेकी को तो इसके लिए 10 है इसकी माने, यानी 1 का 10 मिलेगा। 1 रियाल देंगे, 10 रियाल का सवाब लिखा जाएगा। 1 को खाना खिलाएंगे, 10 को खाना खिलाने का सवाब है। अब रमजान का महीना आ रहा है, 1 को अफ्तार करवाएंगे, 10 को अफ्तार का सवाब है। और फिर ये आगे भी बढ़ सकता है, 10 से 70, 700, 7,000, 7 लाख, 7 करोड़। कितना अच्छा लगता है आप घर से जाएं, वो जो सिंड्रेला वाली स्टोरी थी ना उसको जरा थोड़ा सा जहन में लाया मेरे आपके, जरा प्रैक्टिकली समझने के लिए, कि आप घर से बाहर जा रही हैं और आप आए वापस तो आप कहेंगे कि घर का सारा काम हुआ है, खाना पका हुआ है, मेरी सारी चीजें मैनेज हुई है, किसने हर चीज प्रॉपरली देख ली, है ना। वो तो नेगेटिव स्टोरी है, लेकिन सिंड्रेला की मदर के एंगल से खड़े होकर देख लें। अब मैं आप हैं, हम घर में किसी को छोड़ जाए और हम कहें कि ये मेरी सारी चीजों की रखवाली कर लेगा, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो ये मेरी आपकी जितने हमारे छोटे दिमाग है इतनी छोटी मिसाल से हमने समझने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तो शान ही आला है, यानी हम वहां कुछ रखवा रहे हैं और जब हम जाएंगे और हमें वो पहाड़ की मानिंद मिले तो अल्लाह से, अल्लाह रब्बुल इज्जत ज्यादा अच्छा रखवाली करने वाला कौन है। तो वो आप देखें कि बहुत अल्लाह की रहमत है ये, कि 10 का तो पक्का वादा है, फिर आगे बढ़ जाए वो जितना बढ़ा दे। मन जाए आप इस सही है, और जो कोई लाया एक बुराई को तो नहीं बदला दिया जाएगा मगर इसी की मानिंद, और वो जुल्म ना किए जाएंगे, यानी एक गुना का बदला एक के जितना ही होगा। कुल इन्ननी, कह दीजिए कि बेशक मुझे हिदायत दी, मुझको मेरे रब ने सीधे रास्ते की तरफ, दीनन कय्यमा, ऐसे दीन की तरफ जो बिल्कुल दुरुस्त है। दीन तरीका जिंदगी, दुनिया और आखिरत को सीधा कर देने वाला तरीका जिंदगी है जो कुरान में बयान होता है। मिल्लत इब्राहिम हनीफा, जो तरीका है इब्राहिम का, जो हनीफ थे, हनीफ शिर्क से बिल्कुल पाक थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से नहीं थे। आयत 162, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, नमाज यानी नमाज में इबादत के सारे तरीके आ गए, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, हर लम्हे कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको अगर आप अल्लाह को राजी रखना चाहते हैं। बार बार चॉइसेस आती हैं, आई शुड डू दिस और शुड डू दिस, शुड डू ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, एवरी स्टेप पे हम कुर्बानी देते हैं। वह महिया या वह ममाती, तो जब बंदा इस लेवल पे जीता है कि जिंदगी के उमूर सारे सलाती, सारे मेरे तरीके, सारी मेरी इबादत, क्योंकि हर लम्हे इबादत करते हैं ना, किसी से किसी की तरह मुस्कुरा के देख रहे हैं वो भी अल्लाह की इबादत है ना, अल्लाह को खुश कर रहे हैं। तो जब आपका सलाती और नुसुकी क्या हो जाएगा, अल्लाह के लिए हो जाएगा, तो वो महया या वो ममाती भी अल्लाह के लिए हो गया, यानी मेरा जीना और मेरा मरना लिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ही के लिए है जो रब है तमाम जहानों का, ला शरीक ला, जिसका कोई शरीक नहीं, और इसका मैं हुक्म दिया गया हूँ कि मैं सबसे पहला हो जाऊं जो फरमा बरदारों में से हो। तो जो नसीहत करता है उसके लिए कितना जरूरी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको नसीहत कर रहे हैं, तो अव्वलुल मुस्लिमीन, सबसे पहले मैं फरमा बरदारी करूंगा। कुल अगर ये इसी तरह है, आप खुद नमाज नहीं पढ़ रहे, मैं खुद नमाज नहीं पढ़ रही, तो मैं बच्चों को क्या तंबी करूंगी, तो मेरी इमेज बनेगा एक मुनाफिक का मेरे बच्चों की नजर में, खुद नमाज पढ़ती नहीं है, खुद हर वक्त मोबाइल देखती है, हमें कहती है मोबाइल ना देखें। तो ये एक उसूल है इसके अंदर हिडन। कुल अगैर अल्लाह अबगी, कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा मैं तलाश करूं कोई रब, हालांकि वो रब है हर चीज का, और नहीं कमाता हर नफ्स मगर इसी के जिम्मे है, हर एक की कमाई का वबाल उसी पर जाएगा। वला तजीरु वाजिरा तुम विजरा उखरा, और नहीं बोझ उठाएगा कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ। ये अकीदे की, जो क्रिश्चियंस का अकीदा है कि हजरत ईसा स्लेब पे चढ़ गए और जो उन पे मान ले आएगा वो उसके गुनाहों की सजा, जस ईसा ने अल्लाह ने अपने बेटा भेज के चुकवा दिए, चुका दिए, अल्लाह मजबूर है वो अपना बेटा भेज रहा है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्लाह। इस्लाम कह रहा वला तज़िरु वाज़िरातुन वज़्रा अख़रा, हर एक ने अपना इंतजाम खुद करना है, कोई पीरी मुरीदी नहीं चलेगी कयामत के दिन, ठीक है। तुम इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, फिर तरफ अल्लाह के तुम सबका लौटना है, फिर वो बताएगा तुमको साथ इसके जो तुम इख्तिलाफ करते थे, यानी असल इख्तिलाफात का फैसला, वही मैंने अभी क्रिश्चियनिटी का तस्करा कर दिया, आम इख्तिलाफात भी
अल्लाह ही करेंगे। वह वल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्द, और अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुमको बनाया जमीन में जानशीन। कुफारे मक्का की बात लगे तो काबा के मुतवल्ली थे ये, जानशीन बन गए थे ना अल्लाह के घर के, तो उस हवाले से। और इंसान को जिनों के बाद पूरी दुनिया का जानशीन बनाया। वह रफा आबादुकुम फौक बातिन दरजात, और बुलंद किया तुम में से बास को ऊपर बास के। क्यों बुलंदी होती है? कोई किसी गरीब घर में और कोई किसी अमीर घर में पैदा हुआ है, कोई बहुत जहीन है, कोई बहुत डफर है। आगे जवाब है, लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, ये जो माशरे में क्लासेस है ना, इसका सिर्फ सिर्फ एक वजह है, लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, ताकि अल्लाह आजमाए अल्लाह ने जो तुमको दिया। तो इसमें रोना पीटना, और वो कहते हैं ना इंसान आपे से बाहर हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और मुझे अल्लाह ने ऐसे घर में क्यों पैदा किया, और मेरी शादी कोई ऐसी जगह क्यों हो गई। सब आजमाइश है, हमेशा हमेशा हमें याद रखना चाहिए, सारी दुनिया की जो हैसियत है वो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है अल्लाह की नजर में। तो वहां पे क्या बुरा बुरा और क्या भला। और दूसरी चीज, ये इम्तहान है, एग्जामिनेशन रूम है। तीसरी चीज, बहुत छोटा टाइम है, जैसे पेपर देते ना 3 घंटे, पूरी जिंदगी में 3 घंटे में एक पेपर दे देते हैं, तो आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में तो शायद ये अभी भी मैं सही से इसका मुवाजना नहीं कर सकती, आखिरत की जिंदगी तो लामुतनाही है। चौथी बात ये कि फीमा आताकुम, हम अपनी अपनी सलाहियतें देखें, हम अपनी अपनी सलाहियतें देखें कि हम उतनी प्रोडक्टिविटी दे पा रहे हैं, क्योंकि जो हमें दिया गया उसके हिसाब से हमारा सवाल होगा। अगर किसी को टाइम नहीं मिलता, मैं तिलावत से मिसाल दे सकती हूँ, किसी को टाइम ही नहीं मिलता तो वो रुब पारा भी पढ़ती है, या खातून है सुबह उसने बच्चे भेजने तैयार करके स्कूल, तो वो मिसाल के तौर पर आधा पारा पढ़ पाती है फजर के बाद। और एक है जिसके पास ये जिम्मेदारी ही नहीं है, तो वो भी आधा पारा पढ़ रही है। तो फीमा आताकुम के हिसाब से हिसाब होगा, ये फर्क है। ये मैंने एक निफली इबादत से आपको मिसाल दी है, बहरा बहुत मिसालें मौजूद है। इन्ना बेशक रब्बा का, तेरा रब सरीउल इकाब, जल्द सजा देने वाला है। वह इन्नहु लगफूरुर रहीम, और बेशक अलबत्ता वो बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो जब गाफिल बना रहेगा, परवाह नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा, अहकामात नहीं मानेगा, सरीउल इकाब, और बख्शने वाला जो गाफिल गफलत को हटाने की कोशिश करेगा, परवाह करना शुरू करेगा, कोशिश करेगा, टूटी फूटी हो फिर भी गलतियां होंगी, और फिर मान लेगा। वइन्नहु लगफूरुर रहीम। सूरतुल आराफ देखेंगे, मक्की सूरा है ये, जो हमने पीछे सूरा की है अभी अनआम, ये मैंने बताया था आपको मक्की दौर की आखिरी वक्तों की सूरा है, जब बहुत ज्यादा हालात सख्त हो चुके थे। सूरा आराफ हम देखेंगे, ये वैसे तो आयतों के हवाले से मक्की दौर की सबसे बड़ी सूरा है, ठीक है, लेकिन इससे बड़ी सूरा भी है, गालिबन सूरा शौरा है। आयतों के हवाले से वो छोटी छोटी आयतें, मगर इसकी आयतें लंबी लंबी हैं, इसकी आयत उसके मुकाबले में कम है लेकिन तवालत इसकी ज्यादा है, तो सबसे तवील सूरा है। अच्छा, आराफ देख लेते हैं, क्या कहते हैं, उर्फ कहते हैं असल में अरबी जबान में जो जमीन से कोई चीज उठी हुई होती है ना, उसको उर्फ कहते हैं, उससे आराफ है। आराफ का ये मामला है कि मुफस्सरीन बयान करते हैं कि जब खुले सिरात पे से गुजर जाएंगे लोग और जहन्नुमी जहन्नुम में गिर जाएंगे, तो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान या तो एक दीवार होगी या कोई ऊंचे ऊंची जगह होगी जहां पे कुछ जन्नतियों को रोक लिया जाएगा। ये वो लोग होंगे जिनके, या तो बहुत सारी रिवायतें कुछ बता देती हैं, या तो ये वो लोग होंगे जिनके अच्छे और बुरे अमाल बराबर होंगे, या ये वो लोग होंगे जैसे कुछ शहीद है, अब शहीद पे तो जन्नत वाजिब हो चुकी है, लेकिन वो पेरेंट्स में से किसी एक का नाफरमान था कि उसने वालिदैन के साथ कुछ ऐसा हक था, कोई कोई ना कोई उसका ऐसी चीज रुकी हुई होगी जो उसे जन्नत से रोकेगी, तो इन लोगों को टेम्परेरी आराफ पे रोका जाएगा, ठीक है। और ये वो लोग होंगे जो जन्नतियों को और जहन्नुमियों को, इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों को चेहरों से पहचानते भी होंगे, ये भी आगे डिस्क्रिप्शन आती जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम मीम सौद हुरूफ है मुकत्ताते मुख्तलिफ, इसके बारे में रिवायत है। एक रिवायत ये भी है कि दीज आर द काइंड ऑफ कोड वर्ड्स, ये बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन मुझे मिली कि एक तरह के कोड वर्ड्स हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दरमियान, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में पढ़ा बहुत सारी थोड़ी बहुत रिसर्च की तो पता चला कि इसके माना किसी को मालूम नहीं, तो मेरे जहन में हमेशा ये सवाल आता था ये क्या बात हुई, कुरान में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके जो इजाफी मतलब एक्स्ट्रा हो, अगर इसके माना नहीं है तो फिर इसका वजूद क्यों है, ठीक है, ये बरकत का जरिया है, कुरान में है बरकत है, ये मैं ये नहीं एक दीवार पे आप लगा लें, मेरी मुराद ये है कि कुरान के हर लफ्ज में बरकत है। तो बहरहाल ये फिर जब एक एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी सुनी, डॉक्टर इसरार अहमद साहब की थी, एक और मुफस्सिर भी बयान कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हो सकता है हकीकतन कोई कोट वर्ड्स हो जो अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हो। किताबन उन्जिला इलैका फला यकुन फी सदरी का हरज, ये एक किताब है जो नाजिल की गई तेरे रब की तरफ से, पस ना हो तेरे सीने में कोई तंगी इससे। तंगी क्या थी? किताब आगे पहुंचाने की तंगी थी? नहीं, तंगी ये थी कि ये ईमान ले आए। जब कोई टीचर मेहनत करता है ना, तो उसका उसका दिल एग्जाम वाले दिन जब वो देखता है ना कि बच्चे फेल हो रहे हैं, बच्चों से पेपर सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसका दिल तंग होता है।
तो ये उस तरह की तंगी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कि इतनी वाजे किताब है और क्यों क्यों नहीं मान ले आते। तो ये सीना घुटता है ना इंसान का, तो वो सीने की घुटन थी। नहीं तुम जरा भी ताकि तुम डराओ इसके साथ, तुम नसीहतें ईमान लाने वालों के लिए, इत्तबे मा उन्जिला इलैकुम रब्बिकुम, पैरवी करो जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से, और ना तुम पैरवी करो इसके सिवा सरपरस्तों की, कलील अम्मा तज़क्करून, कितना कम तुम नसीहत पकड़ते हो, वकम मिन करियतिन अहलकनाहा, और कितनी ही बस्तियों में से हलाक कर दिया हमने इनको, पस आया इनके पास हमारा अजाब रात के वक्त, या वो दोपहर के वक्त आराम कर रहे थे। कायलून है ना कैलूला बीसी लफ्ज से, आयत नंबर 5। फमा काना दावा हम इज्जा हम सुना तो ना थी इनकी पुकार जब आया इनके पास हमारा इजाब अजाब, मगर ये कि उन्होंने कहा इन्ना कुन्ना वालिमीन, हम ही जालिम थे। तो जब अजाब आया ऐसी बस्तियों पर तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। फलनसअलन्ना लदीना उर्सिला इलैहिम, बस अलबत्ता हम जरूर सवाल करेंगे लोगों से जो इन लोगों से रसूल भेजे गए जिनकी तरफ, और अलबत्ता हम जरूर सवाल करेंगे रसूलों से। तो दोनों से पूछा जाएगा, अजाब शुदा बस्तियों की खास करके बात हो रही है, और देखिए जो जो मैसेज लेके जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए रसूलों का भी हिसाब है, लनसअलन्ना, जिसने अरबिक ग्रामर पढ़ी वो इस लफ्ज को समझ सकता है, इसमें लामे ताकीद भी है और नून सकीला भी है, नून शद्दा भी है, बहुत सख्ती के साथ बात की जा रही है कि मैं जरूर बस जरूर पूछूंगा रसूलों से कि तुमने पैगाम सही पहुंचाया, और फिर मैं जरूर बस जरूर पूछूंगा लोगों से कि तुमने तुम तक पैगाम आया, मतलब दोनों से सवाल होगा तुमने क्या जवाब दिया पैगाम आया तो। इसलिए क्योंकि अगर प्रॉफिट कोई गलती कर दे, पैगाम पहुंचाने वाला कोई पैगाम में उल्टा सीधा कुछ डाल दे, कुछ मिस कर दे, तो आगे कितनी बड़ी कौम है। देखिए ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अरबों खरबों लोगों तक पहुंच रहा है, वहां अगर जरा सी 0.1% की भी मिस्टेक होती तो आप सोचें कितने लोग जहन्नुम का ईंधन बन जाते। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बैलेंस है, अदल है, तो ये हमें इस आयत में नजर आता है। फला नकुसन अलैहिम बिल्म, और पर अलबत्ता हम जरूर बयान करेंगे इन पर इल्म के साथ, और ना थे हम गायब। नहीं अल्लाह सब कुछ देख रहा है, अल्लाह गवाही ले रहा है, तो ये इसलिए नहीं ये गवाही कि अल्लाह को नहीं पता, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो सब कुछ जानते हैं, ये हमारे लिए हुज्जत तमाम होगी। आयत नंबर 8 बहुत इम्पोर्टेंट आयत है, वल वजनु यौमा इज़्निल हक, और वजन इस दिन हक का होगा, बरहक होगा हक का होगा, दोनों चीजें तौहीद के साथ जो अमाल किए जाएंगे उन अमाल में तो वजन होगा, जो तौहीद के बगैर नहीं होंगे उनमें वजन नहीं होगा, दूसरा कुछ अमाल रियाकारी वगैरह के साथ किए जा रहे हैं तो हक का वजन होगा, और दूसरी चीज क्या है कि अगर जो चीज जो कुछ होंगे अमाल होंगे देखने में नजर आएंगे लेकिन वो अमाल बजाते खुद वजन नहीं रखते होंगे, रुई का पहाड़ होता है ना, रुई में वजन नहीं होता, वो अमाल इस टाइप के होंगे। फमन सकुलत मवाजीनू, तो जिसके भारी हो गए पलड़े इसके तो यही लोग हैं जो फला पाने वाले हैं, और जिसके हल्के हो गए मवाजीन तो यही लोग हैं जिन्होंने नुकसान में डाला अपने नफ्सों को बवजह उसके जो वो हमारी आयात के साथ जुल्म करते थे। मवाजीन आ रहा है, मवाजीन वजन की जमा है, मतलब हर शख्स का बैलेंस अलग होगा और शायद हर शख्स के लाखों करोड़ों बैलेंस होंगे, नियत को नापने के लिए सिर्फ, क्योंकि हर शख्स के हालात अलग है, हर शख्स को अलग सलाहियत पेश की गई है, हम हमेशा सोचते हैं एक बैलेंस रखा हुआ है तो ऐसे नहीं है बात, लाखों करोड़ों बैलेंस होंगे, और ये मैं भी अपनी फहम से कह रही हूँ, अल्लाह ये नोमान अहमद साहब ने भी इसकी तफसीर की, मैं अपने फहम से कह रही हूँ जो मैं भी समझती हूँ कि ठीक है ये सही बात है, लेकिन अल्लाह ही जानता है वो किस तरह का बैलेंस होगा कि किस तरह से हो सकता है एक ही और उसमें इतनी एक्यूरेशन हो एक्यूरेसी हो सॉरी। ومن ثقفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الارض والبتة تحقيق بسایا हमने तुमको जमीन में और बनाया हमने तुम्हारे लिए इसमें معايش, معايش कहते हैं معيشت की जमा है बेसिकली, जमीन से में बसाया है तो जमीन में ही सारी हमारी जरूरियात रख दी, हत्ता कि मरने के बाद मुर्दे भी हम जमीन में दफना देते, कि हमारी मसाइल भी वही फेस कर रही है और हमें खुशियां भी वही दे रही है अल्लाह के हुक्म से। कलील अम्मा तशकुरून, कितना कम है जो तुम शुक्र अदा करते हो। वलकद खलकनाकुम सुम्मा सवरनाकुम, अलबत्ता तहकीक पैदा किया हमने तुमको, फिर सूरत बनाई हमने तुम्हारी, फिर कहा हमने फरिश्तों से उसजुदू लि आदम, सजदा करो आदम को, तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस के, लम यकुम मिन साजिदीन, ना था वो सजदा करने वालों में से। आयत नंबर 12, कौल मा मनाअका अल्ला तसजुदा इद अमरतुक, कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा मा मनाअक, किस चीज ने रोका तुझको कि तू सजदा नहीं किया, तूने सजदा नहीं किया, इज अमरतुक, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। कौला अना खैरुम मिन, शैतान ने कहा मैं बेहतर हूं इससे, खलकतनी मिन नार, तूने पैदा किया मुझे आग से, और व खलकता हूँ मिन तीन, और तूने पैदा किया इसको किसको, आदम को, मिट्टी से। कौला फहबित मिनहा, कहा उतर जाओ इससे, तू नहीं है कि तेरे लिए वो कोई
तेरे लिए नहीं है कि तू को तकब्बुर करे इस पे, फखरुज इन्नक मिनस सागरीन, बस निकल जा, बेशक तू जलील होने वालों में से है। फहबित, उतर जाए, यानी आसमान से या जन्नत से उतर जाए। इब्लीस का वाकया सबको ही पता है, और फिर ये उतार दिया गया था। इसमें बात सारी यही है, बात उसकी लॉजिकल लग रही है, जैसे आज के दौर में हमें लॉजिकल लगती है कि मैं आदम को क्यों सजदा करूं, मैं आग से बना हूं, मैं सुपीरियर हूं, ये मिट्टी से बना है। बात ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखिए क्या कहा, आज पे थोड़ा सा गौर करें, मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे, आयत नंबर 12 जहां से शुरू हो रही है, कौला मा मनाका अल्लाह तस्जुदा इद अमरतुक, इद अमरतुक, जब मैंने तुझे हुक्म दिया था, तुझे किस चीज ने सजदे से रोक लिया। तो असल चीज ये नहीं होती कि इस ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये सही गलत के मयार अल्लाह के हुक्म के आगे जीरो हो जाते हैं। ना मैं कुछ रहती हूँ, ना आप कुछ रहते हैं। इद अमरतुक, जहां अमर आ जाए अल्लाह का, आंखें बंद कर ले, बस ठीक है, अल्लाह का हुक्म है कुरान में, तो मैंने ये करना है, इस चीज को इख्तियार करना है, इस चीज को छोड़ना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस दर्जे की फरमा बरदारी दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 14 देखिए, قال انظرني الى يوم يبعثون, शैतान ने कहा मुझे मोहलत दे दीजिए उस दिन तक के लिए जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। قال انك من المنذرين, फरमाया बेशक तुझे मोहलत दे दी गई। قال فبما اغويتني, इब्लीस बोला बवजह इसके तूने मुझे गुमराह किया, या अल्लाह रब्बुल इज्जत पर इल्जाम डाल रहा है, तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर बैठूंगा इनके लिए तेरे रास्ते पर जो सीधा है, यानी इब्ने आदम के लिए। तुम अल्लाह आती है नहुम मिन बैनी अईदीहिम, आयत नंबर 17, फिर अलबत्ता मैं जरूर आऊंगा इनके सामने से। सामने से कैसे आता है शैतान? सामने वाला वसवसा क्या है? दुनिया को खुशगवार बनाएगा, हमारे आगे क्या है, फ्यूचर के बारे में ही लगेंगे, सारी तैयारियां आखिर आगे की चल रही है, आखिरत को भूले हुए, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, शादी होने वाली है, तकरीब होने वाली है, बस इसी में मगन है, इसी में मगन है। वमिन खल्फीम, और इनके पीछे से, पीछे क्या है, हमारे बेसिकली हम जो छोड़ कर जा रहे हैं, हमारी जो आखिरत है बेसिकली, जो हमने जो अर्न करना है, जो हम पीछे जमा कर रहे हैं रोज का, जो हम बंडल ऊपर भेज रहे हैं, उससे हमें बुलवा देगा। वह अन ईमानिहिम, और इनके दाएं जानिब से आऊंगा, मुराद क्या है, नेक आमाल करवाऊंगा, लेकिन रियाकारी। बंदा मुतमईन रहेगा कि मैं तो बहुत सारे अच्छे काम कर रही हूँ, सदका भी कर रही हूँ, लेकिन रियाकारी करवा दी, कहीं तकब्बुर करवा दिया, कोई छोटी सी आमेजिश करवा के उसको खराब करा दिया, ये दाएं जानिब से आना होता है। वह अन शमा इलीम, और इनके बाएं जानिब से, उल्टे हाथ से आने से क्या मुराद है, उल्टे हाथ की तरफ से क्या हमला है, मुराद ये है कि आपको बुरे काम छोटे लगेंगे, गलत काम, बड़ी बड़ी बुराइयां हकीर लगेंगी, नाक पे बैठी हुई मक्खी की तरह लगने लगेगा गुनाह, आप रोज कर लेंगे। नमाजें छोड़ना कोई मुश्किल नहीं होगा, बेहिजाब घूमना कोई मुश्किल नहीं होगा, किसी की गीबत कर देना, फोन आया आधे घंटे बाद की, उसमें 5 मिनट गीबत थी, आप किसी को बुरा ही नहीं लग रहा, तो ये क्या होगा, अनशमा इलिहिम, बोला तजिदु अक्सर हम शाकिरीन, और ना तू पाएगा इनमें से अक्सर को शुक्र गुजार। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान शुरू होता है, और शैतान का चैलेंज है कि मैंने शुक्र गुजार नहीं बनने दूंगा। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, खुश रहना, खुश बंदा रह नहीं सकता, क्योंकि फील हैप्पी या टेंशन छोड़ दो, ऐसे नहीं होता, बटन नहीं होते, बटन दबा दिया टेंशन छूट गई, ऐसा नहीं होता। या आप अपने अंदर सोचते हैं, अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को समझाते हैं, कोशिश करते हैं, और इसका सबसे अच्छा तरीका अल्हम्दुलिल्लाह, जब बंदा शुक्र गुजार होता है वो खुश रहता है, वो रहता है खुश। आयत नंबर 18, कौला उखरुज मिनहा मदूमम मदहूरा, का फरमाया कि निकल जाए इससे मुजम्मत किया हुआ, रहमत से दूर किया हुआ, अलबत्ता जो भी तेरी पैरवी करेगा इनमें से, अलबत्ता मैं जरूर भर दूंगा जहन्नुम को तुम सबसे। वही आदम, और ए आदम उस्कुन तुम रहो, और तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में, बस दोनों खाओ जहां से तुम दोनों चाहो। वला तकरबा हाजिही शजरा, और तुम दोनों करीब ना जाना इस दरख्त के, फतकूना मिनत ज़ालिमीन, तो तुम दोनों ज़ालिमों में से हो जाओगे। अरे शैतान को नीचे उतारने का हुक्म दिया गया, और साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से क्या बात आ रही है कि उन्हें सिर्फ जन्नत है। देखिए जन्नत क्या होता है, जन्ना छाया हुआ, यानी इतने दरख्त हैं, इतने दरख्त हैं कि साया ही साया, सिर्फ एक दरख्त से मना किया था। ये हमारा भी एटीट्यूड था, करोड़ों नेकियां हैं, माफी चाहूंगी, करोड़ों नेमतें हैं हमारे पास, हर नेमत है, हम ढूंढ के वो चीज लाते हैं जो हमारे पास नहीं है, फिर उसका शैतान भी वसवसा डालता है, और हम ना शुक्रे बनते हैं उस चीज को लेके, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, और इतना कुछ होता है, तो वो बस एक दरख्त था जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों को मना किया कि इसके पास ना जाना। वसवसा लहुम शैतान, बस वसवसा डाल दिया इन दोनों के लिए शैतान ने, ताकि खोल दे इनके लिए जो छुपाया गया था इन दोनों से, इन दोनों की शर्मगाहों में। तो बाइबल में कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों बरहना थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी और बीबी हवा भी। अल्लाह ताला ने यह कॉन्सेप्ट क्लियर किया दोबारा, क्योंकि कुरान तस्दीक करने वाली है ना, वेरीफाई कर रही है कि पिछली किताबों में क्या बाकी है सही और क्या बदल चुका है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि नहीं, वो छुपाते थे, वो ऐसे नहीं थे, क्योंकि खुलती जब चीजें, जब ढकी हुई होती है ना,
शैतान की वजह से खुली, कैसे खुली आपको पता चल जाएगा। वकाल, और इसने कहा, मा नहा कुमार रब्बु कुमा नहाजी शजरता इल्ला तकुना मलकैन व तकुना मिनल खालिदीन। उसने कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख से इसलिए रोका है कि तुम दोनों या तो फरिश्ते बन जाओगे या तुम दोनों हमेशा रहने वाले हो जाओगे। मुफस्सरीन बयान करते हैं कि हजरत आदम को ये पता था कि मुझे जमीन पर जाना है, तो जन्नत छोड़ के कौन जाना चाहेगा, तो उनके अंदर ये बहुत शदीद ख्वाहिश थी कि मैं हमेशा यहाँ रहूं खालिदीन। तो इस वजह से वो जो है शैतान, क्योंकि सूंघ के महसूस करता है आपकी कौन सी नफसानी ख्वाहिश है जो बड़ा गलबा पाती है आप पे, तो फिर वो, ये वैसे भी कोई ख्वाहिश है जानवर की तरह, जैसे हिस्स है अल्लाह ने उसको दिए, जैसे सबको दिए कुछ ना कुछ हिस्स दिए, तो वो उसने महसूस किया और उसने उसी एंगल से बात की। तो इसमें हमारे लिए कि हम भी देखें कि कौन से ख्यालात हमें ज्यादा आते हैं और कौन से फिर ठीक है कौन से गलत है। हम भी यही कर रहे हैं, हम उन्हीं के औलाद में से, हजरत आदम की औलाद में से, हमारी भी ख्वाहिश है ना देखिए, जो कि बड़ी अच्छी ख्वाहिश है, कोई ख्वाहिश गलत नहीं थी हजरत आदम की, हमारी भी तो ख्वाहिश है कि हम जन्नत में हमेशा रहें, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं कुरान पढ़ रहे हैं, ये हमारी ख्वाहिश है। हम अल्लाह से तो झूठ नहीं बोल सकते कि अल्लाह तेरी मोहब्बत में सब कर रहे हैं। हकीकत बात ये है कि हमें जन्नत की एक है अट्रैक्शन, अगर मैं इसको लालच कहना चाहूँ, जबकि नेगेटिव मायनों में आता है तमा का लफ्ज आता है, उसके एक माने लालच भी होती है। हकीकत है कि हमें है बस हमें जन्नत मिल जाए किसी भी तरह से, तो हम सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। वकासमहुमा, और इसने कसम खाई इन दोनों से कि बेशक तुम दोनों के लिए अलबत्ता मैं बड़ा ही खैर ख्वाह हूँ, फदल्लाहुमा बिगुरूर, बस खींच लिया इसने इन दोनों को धोखे के साथ। फिर जब वो दोनों ने चखा इस दरख्त को तो जाहिर हो गई इनके लिए इनकी शर्मगानी और शर्मगाहें, और वो दोनों दरख्तों के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे। वह नादा हुआ रब्बू हुआ, और पुकारा इन दोनों को इनके रब ने, क्या नहीं मैंने रोका था तुम दोनों को इस दरख्त से। औ अकुल लकुमा इन शैतान लकुमा अदुव मुबीन, और कहा मैंने, और क्या मैंने नहीं कहा था तुम दोनों को कि बेशक शैतान तुम दोनों के लिए खुला दुश्मन है। अगेन कुरान बाइबल की एक करेक्शन कर रहा है, बाइबल के हिसाब से हजरत हवा ने हजरत आदम को भी बहकाया, हजरत हवा को शैतान ने बहकाया, और सारा कसूर हवा का था, इसी की वजह से सजा दी गई अल्लाह ने, बकौल बाइबल के अल्लाह ने सजा दी हवा को कि जितनी भी औरतें दुनिया में आएंगी उनको जो डिलीवरी का पेन है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, दैट इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट इन बाइबल। तो कुरान यहाँ हुमा अनहा कुमा, ये जो ग्रामर पढ़ते हैं उनको पता चल रहा होगा अलिफ अलिफ लगा हुआ है, तस्निया वाला, दो की बात हो रही है, तुम दोनों को बहकाया, तुम दोनों का दुश्मन है, ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। 23 आयत नंबर 23, कौल और रब्बना ज़लमना अनफुसना, दोनों ने कहा, कौला लाम के साथ अलिफ लगा हुआ है, दोनों ने कहा ए हमारे रब, जुल्म किया हमने अपनी जानों पर, और अगर ना तूने हमें बख्शा और तूने हम पर रहम ना किया, अलबत्ता हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। दोनों का रवैया देख लें, यहाँ हजरत आदम दो चीजें मांग रहे, तगफिर लना व तरहमना, बख्श दे माफ फरमा दे, और एडिशनल चीज भी चाहिए रहम भी फरमा। हजरत आदम और शैतान के रवैये में ये फर्क है, हमसे भी गलतियां होंगी, हम उन्हीं के, हमारे जद्दे अमजद हैं, हमारे वालिद साहब हैं हजरत आदम, तो हम भी करेंगे गलतियां, होंगी हमसे गलतियां, अब आप देख ले कौन से कॉलम में आना है। शैतान का क्या रवैया है, गलती का एतराफ नहीं किया, हजरत आदम ने गलती का एतराफ किया, शैतान ने जुर्म तस्लीम किए नहीं किया, हजरत आदम ने जुर्म भी तस्लीम किया, शर्मिंदा भी हुए, हजरत आदम ने खुद को मलामत भी किया, शैतान ने खुद को मलामत नहीं किया, सारा कसूर अल्लाह ताला पर डाल दिया, हजरत आदम ने तौबा कर ली, शैतान ने तौबा नहीं की, हठ धर्म बना रहा, हजरत आदम अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हुए, यहाँ कह रहे ना तरहमना, शैतान अल्लाह की रहमत से मायूस है, वरना वो क्या करता, मांगता ना अल्लाह से रहमत, माफी नहीं मांगी तो कैसे फिर वो। तो ये अब हमसे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो सॉरी कहने में कुछ भी नहीं जाता, मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही सॉरी कहते हैं तो सारा बोझ उतर जाता है। आयत नंबर 24 देखिए, कहा गया कि उतर जाओ तुम में से बास बास के लिए दुश्मन है, इंसान इंसान के, इंसान शैतान के दुश्मनी चलती रहेगी। वलकुम फिलहाल, तो तुम्हारे लिए जमीन में जाय करार है और असबाब है एक मुकर्रा वक्त तक। कहा फीहा तहयूना व फीहा तमूतून, फरमाया इसी में तुम जियोगे और इसी में तुम मरोगे और इसी से तुम सब निकाले जाओगे। आयत नंबर 27 26, या बनी आदमा कद अंजलना अलैकुम लिबासा, बहुत इंपॉर्टेंट आयत आ गई अगेन, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ से हमने खास डिस्कशन करनी है। या बनी आदम, है बनी आदम, तहकीक नाजिल किया हमने तुम पर लिबास को, युवारी सौआतिकुम वरीशा, जो छुपाता है तुम्हारे काबिले शर्म हिस्सों को और आराइश है। तो लिबास के दो मकासद हैं, इतना चुस्त ना हो, इतना बारीक ना हो कि काबिले शर्म हिस्से ही नजर आए, ठीक है, तो पूरा होने के साथ साथ वो बिल्कुल फिगर छप जाए उसमें, ऐसा लिबास भी बना हो गया। वरीशा, वरीशा कहते हैं आराइश को, जीनत को, तो जीनत वाला लिबास भी पहनना चाहिए। वरीशा के एक माने माल के भी आते हैं कि आप जितने आपके पास पैसे तो आपको मुनासिब कपड़े पहने, तो अल्लाह की नेमत जाहिर हो, लेकिन अगेन अगेन कि जरूरी क्या है, क्योंकि लिबास तकवा आगे आगे वह लिबास तकवा दाली का खैर, तकवे का लिबास सबसे बेहतर है। तो हमने सब आतिकों को भी देखना है, वरीशा को भी देखना है, अपनी हैसियत के मुताबिक भी कपड़े पहने, लेकिन तकवे का लिबास हो। तकवे का लिबास क्या है, क्या आपके लिबास से पता चलता हो कि आपको अल्लाह का खौफ है, सीधी सी बात है,
आपने इतना ही महंगा अबाया पहन लिया है और आप अपनी उस बहन के पास जा रही है, मिसाल के तौर पर जो तलाक याफ्ता है, उसके घर आप 1,000 रियाल का अबाया पहन के जा रही हैं। दिस इज नॉट गुड। लिबास तकवा, अपना ख्याल रखें। या शादी में मैंने ऐसा लिबास पहनाना है, बस मुझे नहीं पता, मेरा ब्राइडल ड्रेस ऐसा होना चाहिए जो किसी ने भी ना पहना हो आज तक। तो आपकी ख्वाहिशात में, क्योंकि पीछे ख्वाहिश की बात चल रही थी ना, आजाद की ख्वाहिश थी तो कनेक्शन है आया था। तो ख्वाहिशात की वजह से हमारे लिबासों में बिगाड़ आता है, और लिबासों के बिगाड़ से तकवा, देखिए कनेक्टेड है, तकवा चला जाता है। तो लिबास ऐसा हो कि जो देखे और आप खुद भी पता चले कि अल्लाह के खौफ के साथ आपने पहना है, जो भी पहना है। दाल के मिन आयात अल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। लअल्लहुम यद्दकरून, शायद कि वो नसीहत पकड़े। लिबास का कनेक्शन वहां से भी है, वो जो शर्मगाहें खुली है पीछे, पत्ते चिपकाने लगे, ये बहुत तफसील तलब आयात है। बहरहाल वक्त हमारे पास कम है। आयत नंबर 27, या बनी आदम अला यफ्तिनन्नकुम शैतान, ने बनी आदम हरगिज फितने में डाले तुमको शैतान, जैसा कि इसने निकलवाया तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से, उतरवा दिया इन दोनों से, इन दोनों का लिबास, जन्नत से निकलवाया, लिबास उतरवाया, ताकि वो इन्हें दिखाए इनके काबिल शर्म हिस्से। क्या बात है, क्या मकसद है? देखिए, ईमान की वजह से जन्नत है ना, ईमान, जन्नत तो खैर अल्लाह की रहमत से मिलेगी, लेकिन अल्लाह की रहमत किससे खींचती है? जब हम अच्छे अमल करते हैं। अमल का ताल्लुक किससे? ईमान। जितना ईमान मजबूत होता है, नेक अमाल करना आसान हो जाता है। कुर्बानी की सतह पे जीता है इंसान, एहसान के रवैये पे जीता है इंसान, वरना तो पूरा पूरा करता है, बस 5 नमाजें पढ़ ली, रोजे रख लिए, जकात दे दी, खली बली। तो अब इसका ताल्लुक ईमान से, तो ईमान का फिर लिबास से क्या ताल्लुक है? ईमान और हया दोनों बहनों की मानिंद है, यह हदीस का मफहूम है, दोनों दोस्त हैं समझे। और अगर जब हया जाती है तो ईमान भी चला जाता है। तो जब हम शैतान, क्यों शैतान के हवाले से आ रहा है, लिबास उतरवाया ना होती ये बात, क्यों मैं कोई लिंक तो नहीं बन रहा, दरख के पत्ते, दरख चखा, लिबास उतर गया, ये क्या बात हुई? क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, पीछे तकवे का कनेक्शन भी बन रहा है लिबास के साथ। हया की वजह से ईमान चला जाता है, हया आता है ईमान आता है, हया जाती है ईमान चला जाता है। तो ये दोनों का बहुत कनेक्शन है। इन्नहु यराकुम यराकुम व हुवा व कबीलू, बेशक वो देखता है, कौन देखता है? शैतान तुम्हें देखता है, और इसका ग्रो वहां से तुम्हें देखता है जहां से तुम उसे नहीं देखते। तो हमारा एक एंगल है उसके पास इसी थी, जब वैसे भी आमतौर पर जाहिरी सा पहलू इसका ये भी कि जब लिबास बदलने लगे, वॉशरूम वगैरह जाए, दुआएं पढ़ के जाए, लिबास वैसे भी बरहना होने लगे, तो जरूर पहले लिबास उतारने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुआएं वगैरह भी हैं उनका भी अहतमाम हमें करना चाहिए। इल्ला जअलना शयातीन औलिया, बेशक बनाया हमने शैतानों को दोस्त इन लोगों का जो ईमान नहीं रखते। वइदा फअलू फाहिशा, और जब वो करते हैं कोई बेहयाई, कहते हैं वजदना अलैहि आबाना, पाया हमने इस पर अपने आबाओ अजदाद को, और अल्लाह ने हुक्म दिया हमें इसका। कह दीजिए बेशक अल्लाह नहीं हुक्म देता बेहयाई का। अतकुलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, क्या तुम कहते हो अल्लाह पर जो वो जो नहीं तुम जानते? यानी जो बगैर कपड़ों के तवाफ करते थे ना ये लोग कुफारे मक्का, वो तो हमने जहन में रखनी है ना एक चीज, तो कुफारे मक्का बगैर उसके तवाफ कर रहे हैं कपड़ों के, बेहयाई कर रहे हैं, बरहना फिर रहे हैं, तो कह रहे हैं हमारे अबाउजदाद भी ऐसे करते, तो हमें तो ये हुक्म नहीं आए, तो हुक्म मिला है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह ला यामुरु बिल फाहशा, अल्लाह ताला हुक्म नहीं देता बेहयाई का। अतकुलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त, मोहम्मद इन्हें कह दो कि हुक्म दिया है मेरे रब ने इंसाफ का। वाकीमु वुजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, और कायम करो अपने चेहरों को हर मस्जिद के नजदीक। ठीक है, तो अपना चेहरा मुतवज्जो रखो, एक तो चेहरा कायम रखना, चेहरा तो होता ही खाना काबा की तरफ है, इंदा मतलब दिमाग, वुज में क्या, वुजू में क्या क्या है, सर भी तो है, सोच क्या रहे, नमाज पढ़ने खड़े हो कौन से ख्याल चल रहे हैं, आंखें इधर उधर क्यों भटक रही हैं, कानों में हम बच्चों की आवाजों से मस्जिद में क्यों इतने डिस्टर्ब होते हैं? इसलिए इतने डिस्टर्ब होते हैं कि हमारा अपना ध्यान नहीं होता, हमारा ध्यान ही वो 4 सफों पीछे दूर खड़ी औरत के बच्चे, गोद में कोई बच्चा है वो रो रही है। मैं ये नहीं कह रही कि हम सबका ईमान ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर हम फोकस करें उस कारी की किरत पर जो हम सुनने के लिए गए हैं मस्जिद में, और फिर हमें कुरान का तर्जुमा आता हो, हमने थोड़ी कोई मेहनत की भी हो, तो हमें वो रोते हुए बच्चे की आवाज इतनी बुरी ना लगे, बल्कि हमें ये महसूस हो कि ये बच्चा मस्जिद से मानूस हो रहा है, हमारे दिल में रहम आए। खैर, खातून को भी ख्याल करना चाहिए, लेकिन ये हकीकत है, ज्यादा कब हम इस चीज पर गुस्से में तैश में आते हैं, गुस्सा भी एक ऐसी कैफियत है ना शैतान के लिए, हम वो हो जाते हैं, पीस ऑफ केक हो जाते हैं। वजह इसकी होती है हमारा अपना ईमान उस वक्त ऐसा होता है, हम खुद नहीं तवज्जो कर पा रहे थे। तो अपना पूरा चेहरा इंदा कुल्ली मस्जिद, वद्उहु मुखलिसीन लहु दीन, और पुकारो इसको खालिस करते हुए इसके लिए दीन को, यानी अपनी इबादत को अल्लाह के लिए खालिस कर लो। ठीक है, कमा बदा अकुम तऊदून, जैसा कि इसने पहली मर्तबा बनाया तुमको, तुम लौटोगे, वापस आओगे। फरीकन एक ग्रो,
हिदायत दी अल्लाह ने, हिदायत दी इसको, वो फरीकन और एक ग्रोह, हक अलैहिम अद्दलाला, चस्पा चस्पा हो गई इस पर गुमराही, बेशक उन्होंने बना लिया शैतान को सरपरस्त अल्लाह के सिवा, और वो समझते हैं कि बेशक वो हिदायत याफ्ता है। गुमराह लोगों की बात हो रही है, ये बिदती भी आ सकते हैं, ये कुफारे मक्का बरहना होकर तवाफ कर रहे हैं, ये भी आ सकते हैं। या बनी आदम, ए बनी आदम, खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, पकड़ लो अपनी जीनत को हर मस्जिद के वक्त, हर इबादत के वक्त, नमाज हो तवाफ हो, ये मेंशन नहीं हुआ वहां। हुजूर जीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, मस्जिद जाते वक्त ही जीनत इख्तियार कर लो, चाहे अब कोई इबादत मेंशन, मस्जिद तो जाते नमाज के लिए, तवाफ के लिए भी जाते हैं मस्जिद, वैसे भी मस्जिद जा रहे हैं, गंदे संदे मैले कुचैले ना जाए, अबायों में से बदबू ना आ रही हो, मस्जिद जा रहे हैं तो लाजिम अबाया, जब हम उम्रा वगैरह करते हैं तो डेफिनेटली नहाना इतना ज्यादा नहीं होता उम्रे में, क्योंकि फिर वो साबुन वगैरह का इशू होता है, खुशबू होती है उसमें, शैम्पू में खुशबू, उम्रे की हालत में नहाया जा सकता है, क्योंकि हालत एहराम हालत है, लिबास नहीं है, वो एक हालत है, स्विच कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं, हज पे नहीं लोग नहाते, इतनी स्मेल आ रही होती है, हज का इतना लंबा टाइम होता है, नहा सकते हैं जनाब, बस खुशबू का ख्याल करें, खुशबू वाली चीजें प्रोडक्ट्स यूज ना करें। तो जब मस्जिद में जाएं तो हम बहनें इस चीज का ख्याल रखें कि हमारे अबायों में से स्मेल ना आ रही हो, हमारे बराबर में जो खड़ी है, कभी इतना ज्यादा रश हो जाता है मस्जिद, कभी एक आध दफा ऐसा भी हो कि कोई एसी नहीं नहीं काम कर रहा, तो आप दूसरों के लिए परेशानी का बायस ना बने, या पंखे के नीचे अगर खड़ी हैं, पंखा से आपके अबाय से हवा निकल के सारी मस्जिद को खराब कर रही है, तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, नहा धो के साफ सुथरे होकर जाएं, वैसे भी जीनत कर ले, मैं मना नहीं कर रही जीनत, लेकिन क्योंकि खुशबू भी एक जीनत है, वो मना है मस्जिद के पास, ठीक है। और फिर दूसरा, हमें पता है कि हम अगर लिपस्टिक और हिजाब करते हैं, और हमने सोचा अच्छा मैं तरावी में जा रही हूँ, थोड़ा लिपस्टिक लगा के चली जाऊं, तो फिर हमारे ईमान का वो हाल है कि हम तरावी से पहले कुछ कुरान वगैरह रिवाइज करने के बजाय हम शायद आईने के आगे खड़े हो जाएंगे। सफाई सुथराई का बहरहाल ज्यादा ख्याल रखें। वकुलू वशरबू, और खाओ और पियो, और ना तुम हद से बढ़ो, इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक पसंद नहीं करता अल्लाह हद से बढ़ने वालों को। एक चीज मैं जरूर मैंशन करूंगी, हमारी मस्जिद हमारा मुसल्ला है, जब हम नमाज पढ़ने आते हैं तो हम कपड़ों का ख्याल नहीं करते, कुछ खवातीन को मैंने देखा है ट्राउजर अलग होता है, शर्ट अलग होती है, ट्राउजर टखनों से ऊंचा हो रहा है, रुकू करते वक्त दुपट्टा पूरा नहीं है, प्रॉपर कलाइयां नजर आ रही हैं, सारा ध्यान कपड़ों पे लगा रहता है, तो मुसल्ले पे जाते हुए हमें तैयार होके जाना चाहिए, वहां पाबंदी नहीं है, लगा लें आप खुशबू भी लगा लें, आप जो घर में नमाज पढ़ने लिपस्टिक भी लगाएं, तैयार भी हो जाए, तो जीनत मना नहीं है, जीनत हराम नहीं है। कुल मन हर्रमा जीनतुल्लाह, कह दीजिए किसने हराम की अल्लाह की जीनत, वो जो इसने निकाली अपने बंदों के लिए और पाकीजा चीजें रिस्क में से। कुल हिया लिल्लदीना आमनू फिल हयाति दुनिया, कह दीजिए कि वो इन लोगों के लिए है जो ईमान लाए दुनिया की जिंदगी में, खालिस और कयामत, खालिसतन यौमल कयाम, और कयामत के दिन खालिसतन उनके लिए, दुनिया में सबको मिलेगा रिस्क और इनकी नेमतों की बात हो रही है बेसिकली, लेकिन कयामत में सिर्फ ईमान वालों को ये नेमतें मिलने जाएंगी। कदालिक नुफस्सिलुल आयात लिकौमी यालमून, इसी तरह हम तफसीलन बयान करते हैं आयात को इस कौम के लिए जो इल्म रखती हो। कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश, कह दीजिए कि बेशक हराम किया मेरे रब ने फवाहिश को, वो जो जाहिर हो इसमें से और जो छुपी हुई हो, और गुनाह को और ज्यादती और बगावत को, ना हक, और ये कि तुम शरीक ठहराओ अल्लाह के साथ, जो नहीं इसने उतारी इसके साथ कोई दलील, व अन तकूलू अल्लाह मा ला तअलमून, और ये कि तुम कहो अल्लाह पर वो जो नहीं तुम जानते, वली कुल्ली उम्मतिन अजल, हर उम्मत के लिए एक मोहलत है, फैज़ा जा अजलुहुम, फिर जब आ जाती है इनकी मुकर्ररा मुद्दत, तो नहीं वो देर कर सकते एक घड़ी भी, और नहीं वो आगे बढ़ सकते हैं, 50 डॉक्टर्स ने भी घेरा हो, मौत का वक्त आ गया, बस जाना ही जाना है। और फिर यहाँ पूरी उम्मत की बात हो रही है, नेशंस की भी एज होती है, नेशन को अल्लाह, किसी भी नेशन को अल्लाह ऊपर करता है, उसको नेमतें देता है, और फिर उसका रवैया देखता है कमजोर नेशंस के साथ, फिर उस नेशन का एक टाइम पीरियड होता है, कभी हम सोचते हैं इतने बड़े बड़े जालिम मुतकब्बिर जैसे फिरौन ही था, सालों उसने बच्चों के गले कटवाए, तो बंदा सोचता है जिन पर जुल्म हो रहा हो, हम भी सोच रहे हैं आजकल जो हालात चल रहे हैं कि ये कब, ये इन्होंने इराक का क्या किया, कितने बड़े बड़े इस्लामी मुस्लिम ममालिक हैं, ईरान का नाक में दम कर रखा है, यमन का आप ले लें, तो यार ये कब खत्म होंगे, ये इतने बड़े बड़े जो फिरौन बैठे हैं कब खत्म होंगे, एक मुद्दत होती है, एक मुद्दत है कौम की आजमाइश की, वो मुद्दत खत्म होगी, अल्लाह खत्म कर देंगे इनको, हाँ हमें आजमाया जाएगा। आम मुसलमान क्या कर रहा था, क्या इसी पे तकिया लगा के बैठ गया था कि हाँ मुद्दत है जब आएगी तो खुद ही खत्म हो जाएंगे, ये उसने अपने हाथ पैर चलाए थे, ठीक है। तो ये हमारी आजमाइश भी है उनकी भी है। या बनी आदम आयत 35, ए बनी आदम अगर आए तुम्हारे पास कुछ रसूल तुम में से जो बयान करते हो तुम पर मेरी आयात को, आयात से मुराद अहकामात, फमन इत्तका व असलह फला खौफुन अलैहिम, तो जो कोई तकवा इख्तियार करेगा और अपनी इसलाह करेगा तो नहीं कोई खौफ इन पर और ना वो गमगीन होंगे, वल्लदीन कज्जबू भी आयातीना, और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को और तकबुर किया इनसे, यही लोग आग वाले हैं, हम फीहा खालिदून, और वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं,
कद्दबू भी आए थे ना, अपनी राय को अल्लाह की आयत पर फोकियत देना। अभी हमने कहा ना अमर और रब्बी, तो वो शैतानी रवैया, अल्लाह का हुक्म आ जाए फिर आप अपने दिमाग को दौड़ाएं, अपनी मन तक लड़ाएं, नहीं। यहाँ पे भी वही बात है, तकबूर, इस्तिकबार भी आ रहा है। इस्तिकबार करने वाले जहनुम में जाएंगे, शिर्क और इस्तिकबार जहनुम में लेके जाएगा तकबूर करना। तो कौन सा तकबूर है? खास करके ये वो तकबूर है जो अल्लाह की आयात के अगेंस्ट किया गया, जैसे अबू जहल, अबू लहब और मुगीरा बिन वलीद, ये जो बड़े बड़े सरदार किया करते थे। फमन अजलमो मिम्मन इफ्तरा, आयत 37। तो कौन ज्यादा बड़ा जालिम है इससे जो घड़ ले अल्लाह पर झूठ, या झुटलाए अल्लाह की आयात को, यही लोग पालेगा इनको इनका हिस्सा किताब में से। किताब में से तकदीर में जो लिखी है, दुनिया जो लिखी है वो मिल जाएगी। बड़े से बड़ा भी नाफरमान हो दुनिया में, उसकी दुनिया कुछ लिखी हुई है, कुछ नेमतें, कुछ ख्वाहिशात हैं, वो जो लिखी हुई है उसको मिलनी है। हत्ता इदा जाअतहुम रुसुलना, यहाँ तक कि जब आ जाएंगे इनके पास हमारे फरिश्ते, नहीं मौत के फरिश्ते आएंगे जो फौत करेंगे इनको, कालू वो कहेंगे अइनमा कुंतुम तदउउना मिन दुनिल्लाह, कहाँ है वो जिनको तुम पुकारते थे अल्लाह के सिवा। कालू दल्लू अन्ना व शाहिदु अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, वो कहेंगे कि गुम हो गए हमसे, और गवाही देंगे वो अपने नफ्सों के खिलाफ के बेशक वो ही काफिर थे। तो मरते वक्त मौत के फरिश्ते दो ही तरह के होंगे, या तो रोशन चेहरे वाले या स्याह चेहरे वाले। बाकी वल्लाहु आलम, हदीस के हवाले से बता रही हूँ, तो बंदे को अपना अंजाम पता चल जाएगा उस वक्त। कालू, अल्लाह ताला फरमाएगा, उदखुलू फी उमम, दाखिल हो जाओ ग्रोहों में, तहकी गुजर चुके तुमसे पहले जिनों में से और इंसानों में से आग में, कुल्लमा दखलत उम्मा, जब कभी दाखिल होगी कोई जमात लानत करेगी अपनी बहन को। यानी एक ग्रोह जब जहन्नुम में डाला जाएगा तो जो पहले ग्रोह होगा जो उनसे ऊपर थे, यानी उनके लीडर्स हैं या उनके माँ बाप हैं जिन्होंने उनसे शिर्क करवाए, जिन्होंने उन्हें तौहीद की तरफ जाने ना दिया, या कोई भी गुनाह के काम कर, जैसे शौहर है हिजाब नहीं करने दे रहा, कुछ भी वजह हो सकती है। अब वो खातून, एक तो अगर वो, एक तो ये बात है ना कि नहीं कर लेती है तो फिर तो उसका मामला अलग हो गया, वो इन ग्रुप से बाहर हो गई, लेकिन उसके अपने भी दिल में, और वो बहाना बना रही है कि नहीं यार मेरा तो शौहर नहीं करने देते, मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ। तो बहुत सारी मसाले हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो वो जो दूसरा ग्रुप पीछे गिरेगा, जो उनको फॉलो करते हुए बुरे काम कर रहा था और अपनी रजामंदी से कर रहा था, तो वो कहेगा हत्ता इजा इजत दारकु फीहा जमीया, यहाँ तक के जो सब के सब जमा हो जाएंगे जहन्नुम में, कालत उखराहुम लिउलाहुम रब्बना, तो कहेगी पिछली इनकी इनकी पहली पहली से, बाद में आने वाली जमात, पहले से जो मौजूद जहन्नुम में जमात है उसके बारे में कहेगी, रब्बना हा उलाई अदल्लूना, ए हमारे रब ये हैं वो लोग जिन्होंने हमें गुमराह कर दिया, फआती ही अजाबन दिअफ मिनन नार, बस दे इनको दुगना अजाब आग में से। कौला वो फरमाएगा, लिकुल्लिन दिअफुन वला किल्ला तालमुन, तुम में से हर एक के लिए दुगना अजाब है लेकिन तुम नहीं जानते, मतलब तुमने भी तो किसी और को गुमराह किया ना, तो तुम्हारा भी डबल हो गया। वकालत उलाहम, और कहेगी इनकी पहली वाली जो पहले से जहन्नुम में मौजूद है जमात, वो क्या कहेगी, ली उखराहुम इनकी पिछली को, फमा काना लकुम अलैना मिन फज्ल फदूकुल अदाब बिमा कुंतुम तकसिबून, हमारा तो तुम पर कोई फजल नहीं था, कोई जोर नहीं था, तुमने खुद किया है अपनी कमाई, तो फिर तुम भी चखो अजाब अपनी कमाई का। इन्ना लदीना कदबू भी आयातीना, बेशक वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को और उन्होंने तकबुर किया इनसे। अब ये खास करके वो लोग हैं जो, एक तो होता है ना कॉमन बंदा है, कोई कॉमन क्रिश्चियन है, कॉमन यहूदी है, जो झुटलाता है आयात को, किस सेंस में कि उस तक तालीम अच्छे से नहीं पहुंची, दावा अच्छे से नहीं पहुंचा, कोई ऐसा फैक्टर है जो उसे इस मजहब से रोक रहा है, उसके अंदर तकब्बुर नहीं है, उसके अंदर जिद नहीं है, इनाद नहीं है, ढिटाई नहीं है, तो ये एक बात अलग है। इस चीज को अब आप कुफर के साथ जोड़ लें, जिसमें ये चीज है, मुसलमानों की दुश्मनी भरी हुई है, इस्लाम की दुश्मनी है, उसका खून खौलने लगता है, मतलब तकब्बुर भी है, तो उनके लिए क्या है, ला तुफत्तहु लहुम अबवाब अस्समा, नहीं खोले जाएंगे इनके लिए आसमान के दरवाजे। आसमान के दरवाजे कब कब खुलते हैं? दुआएं मांगते तब खुलते हैं, हमारे आमाल जब ऊपर चढ़ते हैं तब खुलते हैं, और जब मरने के बाद रूहें हैं, रूह जाएगी ना, तो ऊपर दरवाजा खुल गया तो इल्लियीन में जाएगी, और दरवाजा नहीं खुला रूह के लिए तो सिज्जीन में जाएगी, जो सिज्जीन समझे जमीन की तहों के नीचे, सातों जमीनों के नीचे कैद खाना है। इट्स लाइक अ सेल, कि जब तक कयामत कायम नहीं होगी तो जिस्म तो मिट्टी में मिल जाएंगे, रूहें तो कहीं रखी जाएंगी ना, तो उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। वाला यदखुलून अलजन्ना, और ना वो दाखिल होंगे जन्नत में, हत्ता यलिजल जमलू फी समिल खियात, यहाँ तक के दाखिल हो जाए ऊंट सुई के नाके में से। ये इतना इतना इम्पॉसिबल है उनके लिए भलाइयां मिलना, आखरत की भलाइयां। वकजालिका नजिल मुजरिमीन, इसी तरह हम जजा देते हैं मुजरिमों को, इनके लिए जहन्नुम में बिछोना है, लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौकिहिम गवाश, मिहाद बिछोने को कहते हैं, गवाश ओढ़ने को कहते हैं, मिहाद का मतलब मैट्रेस, गवाश का मतलब कम्फर्टर, तो ऐसे लोगों का ओढ़ना बिछोना जहन्नुम में आग है, कि आग के बिस्तर पे जैसे लेते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्लाह, वकज़ालिका नज़्ज़ी ज़ालिमीन, और इसी तरह हम जजा देंगे जालिमों को, वल्लज़ीना आमनू आयत 42, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए अच्छे, नहीं हम तकलीफ देते किसी जान को मगर इसकी वसत के मुताबिक, यही लोग जन्नत के साथी हैं और इसमें हमेशा रहने वाले हैं। वह नज़ाना, और हम निकाल लेंगे जो इनके सीनों में है हसद में से, बहती होंगी इनके नीचे से नहरें। किनके, ये ईमान वालों के दिल में सीनों से क्या निकालेंगे, गिल। गिल किसको कहते हैं? गिल कहते हैं
थोड़ी सी जो अदावत रह गई है, जो कोशिश के बावजूद आप दिल में कोई ऐसी नेगेटिव चीज है जो कोशिश के बावजूद आप नहीं निकाल पा रहे, उसको गिल कहते हैं। तो जो जन्नती होंगे ना, तो क्योंकि उन्होंने कोशिश की, कोशिश पे अजर मिलना है ना, आपको किसी पे आपको बहुत गुस्सा आता है, अपने गुस्से को बहुत रोकने की कोशिश करती है। किसी शख्स ने आपके साथ बुरा किया, आपने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन अब आपको अच्छा नहीं लगता, और आपके दिल में आप बड़ी कोशिश करती हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी नेगेटिव चीजें, अल्लाह हमें उनमें से ना बनाए कि हम किसी के लिए उनका बाइस बने, लेकिन दिल से बंदा नहीं निकाल पाता। तो फिर अगर वो जन्नत के लिए क्वालिफाई कर देंगे, तो जन्नत में जाने से पहले उनके दिलों को धोया जाएगा, क्योंकि जन्नत बहुत पाकीजा जगह है, गिल वाले लोगों के लिए जगह नहीं है। तो ये उनकी बात हो रही है। वकालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा, और वो कहेंगे सब तारीफ अल्लाह ही के लिए, वो जात जिसने रहनुमाई की इसी के लिए। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह, और ना थे हम कि हम हिदायत पाते मगर ये कि अल्लाह ने हमें हिदायत दी। मुराद क्या है कि जन्नत में पहुंचने के बाद भी उनका रवैया क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो शुक्र गुजारी है ना, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस टॉपिक पे बात हो ही गई। मैं बार बार कहती हूँ कुरान शुरू अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। शैतान ने कहा कि मैं शुक्र गुजार नहीं बनने दूंगा। मैंने हमने आपस में डिस्कशन की कि पॉजिटिव एटीट्यूड कितना जरूरी है, हर वक्त खुश रहना इस नेमतों को सोच सोच के कितना जरूरी है। हजरत आदम के वाकये में हमने सुन लिया कि एक दरख्त से मना किया था, उसी दरख्त के पास चले गए। अपनी जिंदगी में यहाँ पे भी क्या है, ये जन्नती लोगों की सिफत है कि वो शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारते हैं। वो क्या कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जिसने हमें हिदायत दी। वो अपना अपने ऊपर क्रेडिट नहीं ले रहे। शैतान का दूसरा रवैया क्या था, अपने आप को बड़ा समझ रहा था ना। अल्लाह ने कहा तूने तकबर किया, तो तेरे लिए है ही नहीं कि तू अपने आप को बड़ा समझे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शुक्रगुजारी में रहना। और देखिए हकीकत अल्लाह की रहमत से मिलेगी जन्नत। लकद जात रसूल रब्बिना बिलहक, अलबत्ता आ गए रसूल हमारे हमारे रब आए रसूल हमारे रब के पास से हक लेकर। वनूदू अन तिलकुमुल जन्ना, और वो पुकारे जाएंगे कि ये तुम्हारी जन्नत है। उरिस तुमूहा, तुम वारिस बनाए गए हो इसके बावजूद इसके जो तुम अमल करते थे। तो अमल लाजिम है, ये जन्नतियों को कहा जाएगा। वारिस बनाए जाएंगे, कैसे वारिस बनाए जाएंगे, बहुत प्यारी हदीस है, मैं उसका मफहूम आपको समझाती हूँ। असल ने फरमाया मोमिनों को दोजख से अलग कर दिया जाएगा, फिर दोजख और जन्नत के दरमियान पुल पर रोक लिया जाएगा, और बास के हुकूक बास से दिलवाए जाएंगे। यही जो पुल है ये आराफ है, जिसपे इसकी सूरह का नाम है। बास के हुकूक बास से दिलवाए जाएंगे, यहाँ तक कि जब सब साफ सुथरे हो जाएंगे, नहीं जो भी दिल धोने की बात हुई, दिल विल धुल जाएंगे, हक एक दूसरे के अदा कर दिए जाएंगे, तो जन्नत में दाखिले की इजाजत दे दी जाएगी। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, दुनिया में उनको जितना ज्यादा अपने घर का रास्ता मालूम था, उससे कहीं ज्यादा उन्हें अपनी जन्नत के घर का रास्ता मालूम होगा। अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम, कैसी प्यारी हदीस है। जन्नत में अपने घर का एड्रेस पता होगा उनको। और फिर उरिस्तुमुहा, जो हर शख्स का एक जन्नत में भी घर है, जहन्नुम में भी घर है। तो जहन्नुम में जो गिर जाएगा, उसका जन्नत वाला घर खाली होगा। तो वारिस बनना ना, वारिस बना दी जाएंगे। विरासत क्या होती है, मुफ्त में मिलती है ना, किसी और का माँ बाप ने कमाया आपको मिल गया। तो उरिस्तुमुहा, वो जहन्नुमियों के घर फिर उनको मिल जाएंगे। आयत नंबर 44, वनादा असहाबुल जन्ना, और पुकारेंगे जन्नत वाले आग वालों को कि तहकीक पाया हमने जो वादा किया था हमने अपने रब से सच्चा, जो वादा किया था हमसे हमारे रब ने सच्चा। पहल वजह तुम मा वादा रबुकुम हक्का, तो क्या तुमने पाया वादा जो तुमने अपने रब तुम्हारे रब ने तुमसे किया था सच्चा। ये एक कम्युनिकेशन होगी, हमें नहीं पता कैसी होगी। आज के दौर में हम करते हैं हमारे 12 12 13 13 घंटे की डिस्टेंस पे, अभी हो सकता है मीटिंग में ही हो कोई। एक मेरी सिस्टर फ्रेंड ऑनलाइन होती है शिकागो से, तो वहां रात हो रही होती है, गालिबन वो 3 बज रहे होते हैं, और वो उस वक्त बैठती हैं उठ के। रमजानों में तो उनको सहूलत होती है, और लगभग हर साल वो दौरा कुरान करती है, हमारे साथ गालिबन आज भी मौजूद है। वो मिड नाइट उठ के बैठी है वहां पे, रात है यहाँ, देने मेरी आवाज उन तक जा रही होगी। तो हमारी कम्युनिकेशन ये है, अल्लाह हम सबको अजर से नवाजे। तो ये यहाँ जन्नती और जहन्नुमियों की कैसी कम्युनिकेशन होगी, आप सोचें कि जन्नती वाले जहन्नुमियों को पुकारेंगे, वो कहेंगे हमसे जो अल्लाह ने वादा किया था नेमतों का, वो तो हमने सच्चा पा लिया, कि तुम्हारा भी वादा तुमने सच्चा पाया। कौलू नाम, जहन्नुमी कहेंगे हाँ। फअद्दना मुअद्दिन, तो पुकारेगा एक पुकारने वाला, बैनहुम अन्न लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, इन दोनों के दरमियान की लानत तो अल्लाह की जालिमों पर। देखिए जहन्नुमियों को कोई और बोलेगा, ये जन्नती और जहन्नुमी के दरमियान से जहन्नुमियों को बोलेगा तुम पर अल्लाह की लानत हो। जन्नत में रहने वालों का मिजाज ये नहीं होता। ये जुमला तो आ सकता था ना कि जन्नती कहते थे कि तुम पे अल्लाह की लानत हो, है ना, वो नहीं कह रहे, क्योंकि जन्नत में जाने वाले लोग हैं ही नहीं, ऐसे लोग जन्नत के लिए कैसे क्वालिफाई करेंगे। अल्लादीन यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, वो लोग जो रोकते थे अल्लाह के रास्ते से और तलाश करते थे इसमें टेढ़ापन, वह हम बिल आखिरती काफिरून, और वह आखिरत के इनकारी थे। वह बैनहुमा हिजाब, और इन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी, एक दीवार होगी। वह अलल आराफ, यही आड़ जन्नत और जहन्नुम के दरमियान जो होगी इसकी बात हो रही है। वह अलल आराफ, और आराफ पे रिजाल, कुछ लोग होंगे। यारिफून कुल्लम बिसीमा हम, वो पहचानते होंगे हर एक को इनकी अलामत से, यानी जो आराफ पे लोग होंगे वो जन्नतियों को भी पहचानते होंगे इनकी अलामतों से, और जहन्नुमियों को भी। वनादाओ असहाबल जन्नत अन सलामुन अलैकुम, और वो पुकारेंगे जन्नत वालों को कि तुम पर सलाम हो। ठीक है,
सलाम से ही पता चल रहा है कि आराफ पे जो लोग हैं मुसलमान होंगे, एक तो हमें ये बात पता चली, दूसरा ये कि वो जन्नतियों को तो सलाम करेंगे, लम यदखुलूहा वहुम यतमाउन, वो दाखिल नहीं हुए होंगे जन्नत में यानी आराफ वाले, लेकिन वो उम्मीद रखते होंगे। वह इज़त सुरिफत अबसारुहुम तिल्का असाबिन नार, और जब फेरी जाएंगी इनकी निगाहें आग वालों की तरफ, देखिए फेरी जाएंगी, वो खुद नहीं देखेंगे जानलों की तरफ, बुरे मंजर कोई नहीं देखना चाहता, फेरी जाएंगी उनकी निगाहें। कौलू रब्बना ला तजअलना माल कौमीन, तो वो कहेंगे हमारे रब हमें हरगिज जालिम कौम के साथ ना करना। वनादा अस्हाबुल आराफ, और पुकारेंगे आराफ वाले कुछ लोगों को जिनको वो पहचानते होंगे इनकी अलामत से, वो कहेंगे ना काम आया तुमको जत्था तुम्हारा, और जो कुछ थे तुम तकबुर करते। जन्नमियों को कहेंगे आहा उलाई, अब वो जन्नतियों की तरफ इशारा करके कहेंगे आहा उलाई, के यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुमने कसमें खाई थी कि अल्लाह इनको अपनी रहमत नहीं पहुंचाएगा, यानी तुम तो बातें ऐसी करते थे, देखो ये तो जन्नत में बैठे हुए हैं। वो तो कुल जन्नत अला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, दाखिल हो जाओ जन्नत में, नहीं कोई खौफ तुम पर और ना तुम गमगीन होगे, आराफ वालों से कहा जाएगा। वनादा अस्हाबुन नार, अब पहले जन्नतियों वाली की डिस्कशन हुई, फिर आराफ वालों के डायलॉग्स आए, अब जहन्नुम वालों के डायलॉग्स आ रहे हैं। वनादा अस्हाबुन नार, पुकारेंगे आग वाले जन्नत वालों को, ये के अफीदु अलैना मिनल मा, कि डालो हम पर पानी या इसमें से जो रिस्क दिया अल्लाह ने तुमको। कालू, कहेंगे कौन, जन्नत वाले कहेंगे इन अल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम कर दिया इन दोनों को काफिरों पर। पानी खाना, जन्नत का पानी जन्नत का खाना, और वैसे भी नॉर्मल पानी भी नहीं होगा ना जहन्नुम में, तो नॉर्मल खाना भी नहीं होगा, वो शैतान की शक्ल जैसे कोई खोशे होंगे जिसको खाएंगे वो। अल्लज़ीन तख़ज़ू दीनहुम लहवा व लईबा, ये वो लोग जिन्होंने बना लिया अपने दीन को खेल और तमाशा। वगर्रतहुम हयात दुनिया, और धोखे में डाल दिया इनको दुनिया की जिंदगी में, तो आज हम बुला देंगे इनको जैसा कि वो भूल गए मुलाकात को अपने इस दिन की, और वो जो थे हमारी आयात का इनकार करते, अल्लाह रब्बुल इज्जत बुला देंगे। आखिरत की भूलने से मुराद ये कि अल्लाह ताला उनको ऐसा मामला करेंगे जैसे दुनिया में वो जिए अल्लाह को भूल कर, तो आखिरत में जब फैसले हो रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मतलब खैर के मामले में कह लें, भलाई के मामले में कह लें, उसमें उनको आगे नहीं रखा जाएगा, फिर वो उनको उनके गुनाहों की सजा ही दे दी जाएगी। ठीक है, वलकद जिनाहुम बिकिताब, और अलबत्ता तहकीक लाए हम इनके पास एक किताब, खुलकर बयान किया हमने इसको इल्म की बिना पर, जो हिदायत है और रहमत है इस कौम के लिए जो ईमान रखती हो। आयत 53, हल यंजुरूना इल्ला तअवीला, नहीं वो इंतजार करते मगर इसके अंजाम की, यानी क्या लोग बुरे अंजाम का इंतजार कर रहे हैं, जो कुरान पर बताया गया है कि जब तुम लोगों का ये अंजाम होना है, तो जब उनका ये अंजाम होगा तब वो ईमान लाएंगे। अब अहले मक्का को भी रख लें और नॉर्मली भी रख लें। यौम याती तावीलहू, जिस दिन आ जाएगी इसकी तावील या इसका अंजाम, कहेंगे वो लोग जो भूल गए इससे पहले, तहकी जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक, तहकी लाए थे हमारे पास, लाए थे रसूल हमारे पास हक को, हमारे रब की तरफ से हक को। फहल लना मिन शुफा, तो बस क्या है हमारे लिए कोई सिफारिश की वो सिफारिश करें हमारे लिए, या हम लौटाए जाएं, फिर हम अमल करेंगे सिवाय इसके जो थे हम अमल करते। दो ख्वाहिशात होंगी ऐसे मौके पे जब उन्हें आखिरत में जाके पता चल जाएगा कि प्रॉफिट्स ट्रू थे। मैं आप हम सब भी अपने लिए ले सकते हैं कि हम कितने वक्त को अच्छी जगह लगा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ फरमाए। वो कहेंगे कि या तो कोई हमारी सिफारिश कर दे, हमारी बचत हो जाए, या हमें वापस दुनिया में भेज दें तो हम कोई अच्छे काम कर लें। कद खसीरू अनफुसहुम, तहकीक उन्होंने खसारे में डाला अपने नफ्सों को, और खो गए इनसे जो थे वो घड़ते, यानी शिर्क के जो दावे करते थे, बहुत बुजुर्ग जिस पर भी एतमाद था सब खो जाएंगे उस दिन। आयत नंबर 54, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़ समावाती वल अर्ध, बेशक रब तुम्हारा अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को 6 दिनों में, और फिर वो मुस्तवा हुआ अर्श पर, ढांप लेता है रात से दिन को, पा लेती है इसको जल्दी जल्दी, क्या करती है रात दिन को जल्दी जल्दी पा लेती है। हसीता व शम्स वल कमरा व नजूम मुसख्खरातिन बि अम्री, और सूरज और चांद को और सितारों को जो मुसख्खर किए हुए हैं अल्लाह के हुक्म से, खबरदार लहुल खल्कुल वल अम्र, इसी के लिए है पैदा करना और हुक्म करना। तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन, बहुत बाबरकत है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो रब है तमाम जहानों का। उदउ रब्बकुम तदरुअन व खुफिया, पुकारो अपने रब को आजिजी से और चिपके चिपके। दुआ कैसे मांगनी चाहिए ये बताया जा रहा है, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के दुआएं नहीं करनी चाहिए। आपका ताल्लुक अल्लाह से, अल्लाह का आपसे ताल्लुक है, तो वो उसके लिए अल्लाह तो शहरक से भी करीब है, तो शोर करना और शो करना तो गम में खास करके होता है ना, चीख चीख के मनाजात सी करने लगते हैं, अल्लाह क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा क्यों हो गया। दुआ कैसे मांगनी चाहिए, आजिजी से, इन्हें अपने आप को छोटा समझे हम, ठीक है, और खुफिया चुपके चुपके रियाकारी वगैरह ना हो, ठीक है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक नहीं मोहब्बत रखता अल्लाह रब्बुल इज्जत हद से बढ़ने वालों से। वला तुफसितु फिल अर्ध बादा इस्लाहिहा, और ना तुम फसाद करो जमीन में इसकी इस्लाह के बाद। इस्लाह के बाद फसाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को नहायत एतदाल से बनाया, इसकी इस्लाह हुई है, अल्लाह ने इसलो इस्लाह के साथ पैदा किया, इसको फसाद ना मचाओ इस्लाह के बाद। यानी जानवरों को मार रहे हैं आप, अपने फर वाले एनिमल मार रहे हैं क्योंकि आपने
जैकेट्स बनानी है जो इंसान पहन रहे हैं, खरीद रहे हैं हजारों डॉलर्स की, या आप हाथियों को मारे जा रहे हो क्योंकि हाथी दांत का कोई शोपीस बना के घर में रखना है, या गेंडे मारे जा रहे हैं उनकी सींग से कुछ बनना है। तो ये फसाद है اعتدال के बाद। वद्रुहु खौफ व तमा, और पुकारो इसको खौफ के साथ और उम्मीद के साथ। तो मोमिन खौफ और उम्मीद के दरमियान जीता है। इतना भी डिप्रेशन में ना चले जाए कि हमारा क्या होगा, तो ये उम्मीद रखें अल्लाह से, और इतनी भी उम्मीद ना रखें कि गुना पे गुना किया जाए बंदा। इन्ना रहमत अल्लाह करीब मिन अल मुहसिनीन, बेशक रहमत अल्लाह के करीब एहसान करने वालों के। वहु अल्लज़ी युरसिलु रियाह बुशरन बैने यदै, और अल्लाह वो जात है जो भेजता है हवा को खुशखबरी वाली बनाकर आगे अपनी रहमत के, यानी खुशखबरी वाली हवाएं, बारिश से पहले जो हवाएं चलती हैं उनको बात उनकी बात की जा रही है। हमारी जरा थोड़ी सी कॉन्क्रीट के जंगल में रहते हैं तो हमें अब इन चीजों के पता नहीं है। आज भी आप ऐसे इलाकों पे जाएं जहाँ गंदो मुक्ति है, मैं ये देहात की बात नहीं करी, फॉर्म्स वगैरह भी पानी कितना जरूरी है, तो खुशखबरी होती है उनके लिए, हमारे लिए नहीं होती है। हमने जाके स्टोर से एक थैला खरीद के पकड़ के ले आना होता है चावलों का, आटे का। हत्ता इज़ा क़ल्लत सहाबन से क़ाला, यहाँ तक कि जब उठा लेती है बादल बोझल, यानी हवाएं उठा लेती हैं बोझल बादलों को, सुकनाहू, हम भेज देते हैं इसको ले बलदिन मैयत, मुर्दा जमीन की तरफ, बस हम उतारते हैं साथ इसके पानी को, फिर हम निकालते हैं साथ इसके हर तरह के फलों में से, इसी तरह हम निकालेंगे मुर्दों को ताकि तुम नसीहत पकड़ो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अल्लाह बता रहे हैं कि लाइफ चल रही है आखरत पे यकीन के लिए। मक्की सूरा है, आखरत का इनकारी थे वो लोग। वल बलदु तय्यिब, और जमीन जो पाकीजा होती है, निकलती है इसकी नबादात इसके रब के इज़्ज़त से, और वो जो खराब होती है नहीं निकलती मगर बेफायदा चीजें। कदालिक नुसर्रिकुल आयात लिकौमी यशकुरून, इसी तरह हम बयान करते हैं, हम फिर फिर खिलाते हैं, इस तरह हम फिर फिर खिलाते हैं निशानियां लोगों के लिए जो शुक्र अदा करते हैं। दो तरह की जमीनों की बात हो रही है, एक बलदु तय्यिब है, आयत नंबर 58 की बात कर रही हूँ मैं, बलदु तय्यिब पाकीजा जमीन मोमिन का दिल, या किसी ऐसे इंसान का दिल जो फितरत पे हो, जो नफरत के साथ ना हो। तो उस पे जब बारिश गुजरती है, बारिश से मुराद कुरान, कुरान सुनता है, कुरान की आया सुनता है, फौरन ईमान ले आता है, जैसे हजरत अबू बकर ले आए, कुछ ऐसे लोग होते हैं, या दूसरे जो पहले से ईमान लाए हुए। तो अब हम अपनी दिल की जमीन को चेक करते हैं कि उसमें से शजरा उगता है, यानी फिर नेकियां करने लगता है, अमल करने लगता है। एक दूसरी कौन सी है, वल्लदी खबूस, खराब जमीन है, ला यखरुजु इल्ला नकीदा, मगर उससे कुछ नहीं निकलता, उस पर कितनी बारिश बरसे बंजर जमीन है, इतना पानी कीचड़ तो शायद बन जाएगा लेकिन कोई सब्जा नहीं निकलेगा, सब्जा निकलेगा तो नकीदा, कोई कांटे वांटे उगाएंगे, कोई झाड़ियां वाड़ियां निकल आएंगी, बेफायदा चीजें निकल आएंगी। तो हम सबके दिल हैं, दिलों को ताबीर किया जा रहा है जमीन के साथ, कुरान उतरता है तो कोई अमल कर लेता है और कोई अभी भी दूसरों को अजियत ही दे रहा है, नकीदा है वो उसके लिए। आयत नंबर 59, लकद अरसलना नूहन इला कौमी, अलबत्ता तहकीक भेजा हमने नूह को इसकी कौम की तरफ, तो इसने कहा ऐ मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं तुम्हारे लिए कोई इलाह इसके सिवा, बेशक मैं डरता हूँ तुम पर अजाब से बड़े दिन के। कहा सरदारों ने इसकी कौम में से, बेशक अलबत्ता हम देखते हैं तुझको खुली गुमराही में। इसने कहा ऐ मेरी कौम नहीं मेरे लिए कोई गुमराही, लेकिन मैं रसूल हूँ रब्बुल आलमीन की तरफ से, मैं पहुंचाता हूँ तुमको पैगाम अपने रब की तरफ से, और मैं खैर ख्वाही करता हूँ तुम्हारे लिए, और मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तब्लीग की, सबसे ज्यादा जो इस्तकामत कहते हैं उसकी मिसाल के तौर पर इनको पेश किया जाता है। लगभग 80 के लोग करीब लोग ईमान लाए थे, फिर पूरी दुनिया में कहा जाता है कि तूफान नूह आया जब ये इन्होंने सरकशी की, और वो 80 जो थे कश्ती, जो आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ सबको पता होगा तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, तो कश्ती में सवार होकर फिर तूफान नूह से बचाया गया, जूदी पहाड़ पर कश्ती रुक गई, सारा पानी वापस जमीन ने निगल लिया और जो था सारा ड्राई हो गया, और ये यहाँ पे प्रॉफिट्स के वाकयात आएंगे। तूफान नूह का तस्करा एक कमाल की बात, ये तो मुझे पता था बाइबल में है, लेकिन आपको पता है वेदा में भी है, जो हिंदुओं की बुक है ना उसमें भी तूफान नूह का तस्करा है, तो बड़ी अमेजिंग सी बात है। अब अजीब तो मन जाकुम जिक्र मिर रब्बिकुम, क्या भला ताज्जुब हुआ तुमको कि आई तुम्हारे पास एक नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, एक शख्स के तुम ही में से, ताकि वो खबरदार करे तुमको और ताकि तुम परहेजगार हो जाओ और ताकि तुम रहम किए जाओ। यानी तुम्हें इस चीज पे मसला हो रहा है कि मैं बहसियत पैगम्बर तुम्हारी कौम में से ही आया हूँ, तो तुम्हें इस चीज पे एतराज है कि रसूल इंसान क्यों रसूल बन गया। सीधी सी बात है, इंसान इंसान को जानता है, इंसान इंसान के लिए अच्छी मिसाल बन सकता है, कल को लोग कहें कि फरिश्ते पे कुरान आया था तो फरिश्ता तो अमल कर सकता है, आज के दौर में हम कहते हैं साहबियात थी वो तो कर सकती थी, हम कैसे करें, वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो कर सकते थे, हम कैसे करें। हमारा भी रवैया होता है, हमें ये कहना चाहिए अल्लाह मैं कोशिश करती हूँ, बिल्कुल हकीकत है उनके ईमान बहुत बुलंद थे, लेकिन जो मुकर्रबीन होंगे वो बड़ा ग्रोह जो बिल्कुल अल्लाह के पास होंगे, तीन ग्रोह है ना बेसिकली सूरह वाकया में आएंगे, तो जो मुकर्रबीन है उनका बड़ा हिस्सा तो अगलों में से, लेकिन कुछ इस जमाने के लोग भी हैं, यानी वो क्वालिफाई करेंगे, वो सहाबा कराम के साथ होंगे, वो अंबिया की मजलिस में बैठेंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है,
वो दलील दे रहे हैं आजाद नू के तुम्हें इस चीज पे एतराज है, फकत दबूह तो उन्होंने छुटला दिया इसको, तो हमने निजात दी इसको और इन लोगों को जो इसके साथ थे कश्ती में, वह अगरकना लदीना कर दबू और गर्क कर दिया हमने इन लोगों को जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, बेशक वो लोग अंधे थे, आंखों से अंधे तो नहीं थे दिल के अंधे थे। आयत नंबर 65 से हजरत हूद अलैहिस्सलाम का तस्करा शुरू हो रहा है। कौम नूह में से जो सौले लोग बचे, नेक लोग बचे, फिर उनकी नस्लें चलती गईं और फिर उन नस्लों में से फिर बिगाड़ आया और फिर वहां से कौम आद उठी। और तरफ आद के इनके भाई हूद को, इसने कहा है मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं तुम्हारे लिए कोई इल्ला इसके सिवा, क्या भला नहीं तुम तकवा इख्तियार करोगे। कहा सरदारों ने इन लोगों के जिन्होंने कुफर किया इसकी कौम में से, बेशक अलबत्ता हम देखते हैं तुझे हिमाकत में और बेशक हम समझते हैं तुझे झूठों में से, पहले भी सरदार ही थे, हमेशा जो ये टॉप क्लास का तबका होता है ना इसे अपनी सरदारी जाती नजर आती है तो हमेशा रेजिस्ट वही करते हैं, यहाँ पे भी सरदार ही है। कौला कहा या कौमी है मेरी कौम नहीं मेरे साथ कोई हिमाकत, लेकिन मैं तो पैगंबर हूँ रब्बुल आलमीन की तरफ से, मैं पहुंचाता हूँ तुमको पैगाम अपने रब की तरफ से और मैं तुम्हारे लिए खैर ख्वाह हूँ अमानतदार हूँ। अब अजिब तुम जाकुम वही सेम एतराजात, ये देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही हो रहा था, तो ये मिसालें बकायदा बयान की जा रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ जो रहा वो नया नहीं है, पहले सबके साथ ही हो चुका है। क्या भला ताजुब हुआ तुमको क्या आई तुम्हारे पास एक नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से एक शख्स पर जो तुम में से है ताकि वो तुमको खबरदार करे। वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफा मिन बादी कौम, और याद करो जब इसने बनाया तुमको जानशीन कौम नूह के बाद और बढ़ा दिया तुमको साख में और फरागी में। ये कहा जाता है कौम आद जो थी जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत थी, बहुत लंबे चौड़े शख्स थे और जब लड़ते थे तो एक दूसरे को दरख्त उखाड़ उखाड़ कर मारना शुरू कर देते थे दरख्तों से, यानी बहुत ताकत ताकत वाले थे। फ़ज़कुरू आला अल्लाह, बस याद करो अल्लाह की नेमतों को ताकि तुम फला पा जाओ। उन्होंने कहा क्या तू आया है हमारे पास कि हम इबादत करें सिर्फ एक अल्लाह की और हम छोड़ दें इनको जिनकी इबादत किया करते थे हमारे अबा अजदाद। फातिना भी मत आईदू ना इनको स्वादे, बस ले आओ जिसकी तू धमकी देता है अगर तू सच्चों में से, यानी अजाब ले आओ अगर तुम धमकी दे रहे हो। काला कद वका अलैकुम रब्बिकुम, इसने कहा तहकीक पड़ चुकी तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से गंदगी और गजब। अतजादिलू ननी फी अस्मा इन सब मई तुम, क्या तुम मुझसे इस बात पर झगड़ते हो जो कि सिर्फ चंद नाम है, यानी जो बुतों के नाम उन्होंने खुद रख लिए थे। अंतुम व आबाउकुम मा नज़ल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन बुतों की या उनके नामों की कोई दलील नहीं उतारी है, शिर्क की कोई दलील नहीं उतारी, कुछ बुत हैं जिनके तुमने खुद नाम रख लिए हैं खुद गढ़ लिए हैं उन पे तुम मुझसे बहस कर रहे हो। फंतजिरू बस इंतजार करो, इन्नी माअकुम मिनल मुंतजरीन, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूँ। आयत 72 देखिए, पंजे ना हो पस निजात दी हमने इसको और इन लोगों को जो इसके साथ थे रहमत के साथ अपनी, और काट दी हमने जड़ इन लोगों की जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को। कौन सा अजाब आया था इन पर, अजाब आया था बहुत सख्त सर्द हवा, ट्विस्टर कहते हैं ना जिसे, ट्विस्टर समझ लें, ट्विस्टर चले इन पर 7 रातें 8 दिन, बहुत शदीद हवा चली, बहुत ठंडी हवा थी, इनके जिस्म जिस्मों में सुराख हो गए पटक के, इनको खाली जो तना खाली तना होता है ना खजूर का ऐसे इनके जिस्म पे कर दिए। वो मा कानू मोमिनी, और ना थे वो ईमान लाने वाले। आयत 73, अब इनमें से जो नेक लोग बच गए तो उनमें से फिर अगली नस्ल चली कौम समूद। वला समूद अखाहुम सालेहा, और तरफ समूद के भेजा इनके भाई सालेह को, ये भी इन्हीं में से थे तो इनके भाई का लफ्ज आ रहा। قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, कहा इसने ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की तुम्हारे लिए नहीं कोई कोई इलाह इसके अलावा। قد جاءتكم بينة, तहकीक आ गई तुम्हारे पास एक दलील तुम्हारे रब की तरफ से। क्या दलील, कौम समूद ने कहा था कि अगर तू वाकई हजरत सालेह से कहा था अलैहिस्सलाम, अगर तू वाकई प्रॉफिट है तो पहाड़ के अंदर से हामिला ऊंटनी निकाल के दिखा, ये मुआजजा होगा हम ईमान ले आएंगे। तो उन्होंने फिर दुआ की, पहाड़ हिला, उसमें से एक बहुत जाइगेंटिक टाइप की ऊँटनी निकली और कहा हामला भी हो तो उसके पेट में बच्चा भी हिलता हुआ नजर आया। तो कुछ तो ईमान ले आए लेकिन कुछ ईमान नहीं लाए, तो जो ईमान नहीं लाए थे उनको देख के जो ईमान लाए थे वो भी मुर्तद हो गए, तो फिर इन पे भी जो है अजाब वाकई हुआ। قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله, ये अल्लाह की ऊँटनी है तुम्हारे लिए एक निशानी है, बस छोड़ दो इसको चरती रहे जमीन में अल्लाह की, और ना तुम छूना इसको बुराई के साथ वरना पकड़ लेगा तुमको अजाब दर्दनाक। यानी अब देखिए जब कोई नेमत आती है तो फिर उसके साथ आजमाइश आती है, लोग बहुत दुआ करते हैं अल्लाह हमें बेटा दे बेटा दे, अल्लाह बेटे से ही आजमाता है, लोग दुआ करते हैं अल्लाह हमें औलाद दे औलाद दे औलाद से अल्लाह आजमाता है, लोग कहते हैं खवातीन है हमें बड़े घर का शौक होता है अल्लाह बड़ा घर हो जाए बड़ा घर हो जाए या फला घर हो जाए, उससे 100% आजमाइश होती है आपके लिए, जिंदगी थोड़ी टफ हो जाती है, मैनेजमेंट टफ हो जाती है, माल दे अल्लाह माल दे माल दे, ज्यादा कमाने लगते हैं हिसाब तो अलग ही है, आपके रवैये बदल जाते हैं, तो नेमत के साथ आजमाइश होती है। इन्होंने मुआवजा मांगा जो कि एक नेमत थी, तो आजमाइश भी थी इनको, वो बुरी लगने लगी ऊँटनी, वो ज्यादा खाती थी ज्यादा पीती थी खेतों में घुस जाती थी, तो इनका इरादा था तो मना किया उन्होंने कि हजरत साले ने कि तुम ये अब इसको हाथ नहीं लगाना किसी बुराई के साथ। वस्करू और याद करो जब इसने बनाया तुमको जानशीन इस
कौमे आद के बाद, और ठिकाना दिया तुमको जमीन में, तुम बनाते हो इसके मैदानों में महल्लात, और तुम तराशते हो पहाड़ों को घरों में। तो ये क्या थे, बहुत अच्छे आर्किटेक्चर थे, बहुत अच्छे इंजीनियर्स थे, बड़े बड़े महल बनाते थे और पत्थरों को कार्व करके उसके अंदर घर बनाते थे। अभी भी जो इनके पत्थरों के घर हैं यहाँ सऊदीया में मौजूद है अभी भी। फसकुरु आला अल्लाह, बस याद करो अल्लाह की नेमतों को, और ना तुम फसाद करो जमीन में मुफसिद बनकर। आयत नंबर 75, قال الملأ الذين استكبروا من قومي, कहा सरदारों ने इन लोगों के जिन्होंने तकबर किया था इसकी कौम में से, इन लोगों से जो कमजोर बनाए गए थे वास्ते इसके जो ईमान लाए इनमें से, निक सरदार मोमिनीन से कह रहे हैं, जो कमजोर मोमिन है उनसे कह रहे हैं, अतअलमून अन्न صالحا مرسل من ربي, कि तुम जानते हो कि साले अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ से भेजे हुए हैं। ये शक डाल रहे हैं दिल में, कालू इन्ना बिमा उर्सिला बिही मोमिनून, उन्होंने भी ऐसा टिका के जवाब दिया, वो कहते हैं ये जिस चीज के साथ भी भेजे गए हैं ना, हम तो उस पर ईमान लाने वाले। बिल्कुल सॉलिड वैलिड जवाब। कालू लजीना सकबरू इन्ना बिल्लदी आमंतु बी काफिर, उन्होंने कहा सरदारों ने कहा कि उन्होंने तकबर किया, मतलब जिन जिन सरदारों ने तकबर किया, जिन लोगों ने तकबर किया, उन्होंने कहा कि ये जिसके साथ भेजा गया हम तो उसका इनकार करने वाले हैं। फकरु नाका, तो बस उन्होंने कोंचे काट दी ऊँटी की, ऊँटनी की कोंचे कहते हैं जो एड़ी के ऊपर एक पट्ठा सा होता है ना, जिसकी वजह से हम खड़े रहते हैं, अगर उस पट्ठे को काट दिया जाए एड़ी के पीछे जो ऊपर काफ से हमारी पिंडली से जुड़ा होता है, तो बंदा खड़ा नहीं रह सकता। ऊँटनी बहुत बड़ी थी, तो पहले उन्होंने कोंचे काटी, जब वो गिर गई तो फिर तलवार से उसको हलाक कर दिया। और इस ऊँटनी को हलाक करने के लिए, क्योंकि पूरी कौम पे अजाब आ रहा है ना, तो सबका मशवरा हुआ था, घर घर में जाके औरतों तक में मशवरा हुआ था। एक खातून थी बहुत मालदार थी, उसकी बड़ी खूबसूरत बेटियां थी, उसने बकायदा अपनी बेटियां ऑफर की थी कि जो ऊँटनी को मारेगा तो वो मैं अपनी बेटियां उसको दूंगी या बेटियों से शादी करवा दूंगी। तो ये सारे जो थे मिलीजुली भगत थी सबकी। वअतौ अन अम्र रब्बिहिम, और सरकशी की इन्होंने अपने रब के हुक्म से, और उन्होंने कहा ऐ साले तू हमारे पास ले आप जिसकी तू हमें धमकी देता है, यानी उन्होंने कहा था ना कि अल्लाह का अजाब पकड़ लेगा, उतनी को नुकसान पहुंचाया। इन कुंता मिनल मुरसलीन, अगर है तू रसूलों में से। आयत नंबर 78, फाखजा तुम रचफा तो फासबहू बिदारिम जासिमीन, बस पकड़ लिया इनको जलजले ने, तो वो हो गए अपने घरों में औंधे मुंह। इतने तकबर, इतने मुतकबरीन थे। जुमेरात को वार्निंग दी गई थी ऊँटनी कत्ल होने के बाद भी 3 दिन का टाइम दिया गया था, जुमेरात को कहा गया कि माफी मांग लो। जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार, जुमे को इतवार वाले दिन बकायदा तैयार होके खुशबू लगा के बैठे थे कि हमारी तो आज लिमिट खत्म हो रही है, तो हम पे तो अजाब होना है। तो बहरहाल आ ही गया, अल्लाह ने भेज दिया। पता वल्ला अनहुम, पस मुंह मोड़कर चला गया इनसे, यानी पैगंबर चला गया, और उसने कहा है मेरी कौम अलबत्ता तहकीक, मैंने पहुंचा दिया तुमको पैगाम अपने रब का, और मैंने खैर ख्वाही की तुम्हारे लिए, लेकिन नहीं तुम पसंद करते खैर ख्वाहों को। वलूतन इस कौल अली कौम ही, और लूत अलैहिस्सलाम जब इसने कहा अपनी कौम से क्या तुम आते हो बेहयाई को, नहीं सबकत की तुम पर इसके साथ किसी एक ने जहान वालों में, यानी ये क्या नई गंदगी तुमने इन्वेंट कर ली है, मर्द मर्द के पास जा रहा है अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। इन्नकुम लतातून रिजाल, बेशक तुम अलबत्ता आते हो मर्दों के पास शहवत के साथ, औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजरने वाले हो। आयत 82, वमा काना जवाब कौमी इल्ला अन कालू अखरिजूहुम मिन करियतिकुम, और ना था जवाब इसकी कौम का मगर ये कि उन्होंने कहा कि निकाल दो इनको अपनी बस्ती से। इन्नहुम मुनासुन यतातहरून, ये लोग बड़े खुद खुद को अपने आप पाकबाज समझते हैं, यानी तंज भी कह रहे हैं इल्जाम भी लगा रहे हैं। पंजे ना हुआ अहला इल्ला इमराता, बस निजात दी हमने इसको इसके घर वालों को सिवाय इसकी बीवी के। ये वाकई में हम पूरा इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ लेंगे आगे। तो ये हजरत लूत को इनकी बेटियां और जो ईमान वाले थे उनको बचा लिया गया था, और ईमान वाले तो गालिबन कोई भी नहीं था, यही लोग थे, और बीवी भी साथ थी, लेकिन बीवी इन्हीं की, ये हजरत लूत जो थे ना ये इमिग्रेंट थे, नेटिव नहीं थे वहां के, बाहर से हजरत इब्राहिम के साथ आए थे ना हिजरत करके इराक से, हम शायद पीछे पढ़कर आए। तो ये जिस बस्ती में आए थे ये एक बस्ती भी नहीं थी, ये जो बस्ती थी लूती जो कौमे लूत थी, ये बड़े सोल्जर्स थे, बड़े मजबूत मर्द थे, जंगजू टाइप के थे। तो इनकी जो बीवी थी इन्हीं में से थी, तो उसकी हमदर्दियां सारी अपनी कौम के साथ थी। तो यहीं से हमें पता चलता है मोहब्बत का जो स्टैंडर्ड है, स्केल है, वो अल्लाह होना चाहिए। मोहब्बतें वही थी, जासूसी भी करती थी, तो वो भी चली तो साथ इनके, लेकिन वो भी उस पे भी पत्थर आके लगा और वो मर गई। तो अमतरना आलही मतरा, और बरसाई हमने इन पर बारिश, कौन से बारिश थे, कंकरीले पत्थर थे गंधक और आग से भरे हुए, जैसे आतिशा फटता है ना उसमें से जो पके हुए पत्थर निकलते हैं, इस तरह के पत्थर थे। फंजुर कैफ काना आकिबतुल मुजरिमीन, और तो देखो किस तरह हुआ अंजाम मुजरिमों का। और मदियन की तरफ इस तरफ इनके भाई शुएब को भेजा, जैसे शुएब अलैहिस्सलाम का वाक्य आ गया। कौन है कौम अब्दुल्लाह मालकुम इल्लाह गैरू, इसने कहा मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं तुम्हारे लिए कोई इलाह इसके सिवा। हर प्रॉफिट का पैगाम तौहीद है, तौहीद हमेशा से पैगाम रहा है। कद जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, आ गई तुम्हारे पास तहकीक,
रोशन दलीलें तुम्हारे रब की तरफ से, बस पूरा करो नाप को और तोल को, और ना तुम कर्म करके दो लोगों को इनकी चीजों में से, और ना तुम फसाद बर्पा करो जमीन में इसकी इस्लाह के बाद। दालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, ये बात बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान वाले हो, यानी ईमान का दावा करते थे, जैसे अहले मक्का करते थे कि हम दीन इब्राहिमी पे, हम अल्लाह को मानते हैं, है ना। ये सारी मिसालें दी जा रही है। वला तक़ुदू बिकुल्ली सिरातिन तुवईदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, ना तुम बैठो हर रास्ते पर, तुम डराते और तुम रोकते हो अल्लाह के रास्ते से। नाप तोल में कमी के साथ साथ कुछ और खराबियां भी हैं, यानी रास्ते में बैठ के लोगों को लूटने का काम भी करते थे। तुम रोकते हो अल्लाह के रास्ते, तुम डराते हो और तुम रोकते हो अल्लाह के रास्ते से जो कोई ईमान लाया इसके साथ, और तुम तलाश करते हो टेढ़ापन। अच्छा, अब ये दूसरे मायने इसमें क्या है कि दीन के रास्ते से रोकते, ठीक है, पैगंबर के बारे में शकूक डाल के। वस्करु इज कुंतुम कलीलन फकत्तरकुम, और याद करो जब तुम बहुत थोड़े से थे तो इसने तुमको बहुत ज्यादा कर दिया, और देखो किस तरह हुआ अंजाम फसाद करने वालों का। वह इनका ना तौफा तुम मिनकुम आमनू, और अगर चाहे ये है एक गिरोह तुम में से जो ईमान लाए इस चीज पर जो मैं भेजा गया हूँ साथ इसके, और एक गिरोह नहीं ईमान लाते वो, बस सब्र करो। हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनाना, यहाँ तक के फैसला कर दे अल्लाह हमारे दरमियान, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। अभी नहीं की कौम का किस्सा कंटिन्यू हो रहा है, नवा पारा हमारा शुरू होने लगा है। قال الملأ الذين استكبروا, कहा इन सरदारों ने जिन्होंने बड़ा समझे अपने आप को इसकी कौम में से, अलबत्ता हम जरूर निकाल देंगे तुझको ऐ शुएब और इन लोगों को जो ईमान लाए तेरे साथ अपनी बस्ती से, ठीक है, ये बाहर से हैं, ये भी बाहर से थे, तो इनके धमकी दी तो हम निकाल देंगे। नहीं ये तो बाहर से नहीं थे, हजरत लूत थे ना, ये नहीं थे, ये उसी बस्ती में से थे। औलता फी मिल्लतीना, या अलबत्ता तुम जरूर पलटोगे हमारी मिल्लत में। इसने कहा क्या भला अगरचा हम नापसंद करने वाले हों, यानी उन्होंने दो ऑप्शन दिए, या तो हम तुम्हें दरबदर कर देंगे निकाल देंगे। देखिए उस वक्त कबीले का मतलब होता था सिक्योरिटी, सब कुछ आपका, आप पे कोई हाथ नहीं डालेगा, लेकिन अगर आप अकेले कोई आपकी गर्दन भी काट कर चला जाएगा, तो वो कह रहे हैं या तो हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे या फिर तुम हमारे मजहब पे आ जाओ वापस। भाई यही मामला है सीधा, ये सारी खराबियां हमें मौजूद है। अब हम भी ये कहते हैं कि भाई ऐसे ही निजाम चलता है, अब नाप तोल में कमी नहीं करेंगे, अब टमाटर कम ज्यादा नहीं करेंगे, तो भाई पैसे कैसे निकलेंगे? क्यों? क्योंकि पुलिस वाले ने आके जो मैंने यहाँ ठेला लगाया इसका, उसको भत्ता भी देना मुझे पुलिस वाले को, तो मैं अगर सीधा सीधा बेचूंगा तो मैं उसको भत्ता कहाँ से दूंगा? बिल्कुल ताने बाने बुने हुए आपस में ये कौम, यही तो कह रही है ना। तो वो तो खुद मोमिन कह रहे हैं अपने आप को, वो तो मानते थे हम मोमिन है, तो फिर क्या चीज है? अपना तर्ज जिंदगी बदलना नहीं चाहते कि तुम भी हमारी तरह करप्शन वाली जिंदगी गुजारो, तो ठीक है वरना निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, ये बात हो रही है। आयत नंबर 89 देखिए, कदिफ तरईना अला अल्लाह कजिबा, तहकीक घड़ लिया हमने अल्लाह पर झूठ, किस बात पे? अगर हम तुम्हारी बात मान ली, हमने हजरत शुएब और ईमान वाले कह रहे हैं, इन उदना अगर हम पलटे, फी मिल्लते कुम तुम्हारे तरीके में, तुम्हारे दीन पे थे, तरीके की बात हो रही, इसको जहन में रखी। बाद इद नजान अल्लाह मिन्हा, इसके बाद के जब निजात दी अल्लाह ने हमको इससे, वमा यकून लना, और नहीं है हमारे लिए कि हम पलटे इस पे, मगर ये कि चाहे हमारा रब, बस या रबुना कुल्ला शयइन इल्मा, हमारा रब वसत वाला है हर चीज पर, इल्म के एतबार से छाया हुआ है, वसत वाला है, और अल्लाह ही पर हमने तवक्कल किया। रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक, ए हमारे रब फैसला कर दे हमारे दरमियान और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ, और तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। आयत नंबर 90, वकाल अल मलाउ लजीना कफरू मिन कौमी, और कहा इन सरदारों ने जिन्होंने कुफर किया था इसकी कौम से, अलबत्ता अगर पैरवी की तुमने शुएब की, बेशक तुम जब अलबत्ता खजारा पाने वाले होगे, फखजत हम रजफा, पस पकड़ लिया इनको जल्जले ने, तो सुबह की उन्होंने अपने घरों में औंधे मुंह। तीन तरह के अजाब आए थे इनके पीछे, हमने देखा कहीं पे तो हवा चल रही है, कहीं पे चीख चीख आई, वो जो पत्थरों में पहाड़ों में घर तराशते थे उन पे जलजला आ गया, चीख भी थी, इन पे सारे ही आए, चीख भी आई, आग भी आई, जलजला भी आया। क्यों? हुकूक लिबाद, वे ऑफ लाइफ, करप्ट लोग थे। नाप तोल में कमी करना, रास्ते काटना, ये बड़े गुनाह है, और उम्मत मोहम्मदी पे अजाब नहीं आता आप की दुआओं की वजह से, वरना आसमान से पत्थरों की बारिश हो, वो वाला मामला भी देखे ना आप, इलेक्शन हुए, क्या हुआ है हमारे इलेक्शन में, खुल्लम खुल्ला जिसे कहते हैं ना कि अपनी मर्जी के लीडर बिठाए गए, क्या खुल्लम खुल्ला फहश क्या होता है, खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, वो तो हम डिजर्व करते हैं, अल्लाह हमें माफ फरमाए, बस हम क्या अंजाम होना है हम लोगों का। अल्लदीन कद्दबू शुएबा, वो लोग जिन्होंने झुटलाया शुएब को, गोया कि वो ना बसे थे इसमें, वो लोग जिन्होंने झुटलाया शुएब को वो थे वो जो खसारा पाने वाले थे। आयत 93, फतवल्ला अनहुम, तो मुंह मोड़ गया इनसे और कहा है मेरी कौम, अलबत्ता तहकीक मैंने पहुंचा दिए तुमको पैगाम अपने रब के, और मैंने खैर ख्वाही की तुम्हारी, तो किस तरह मैं अफसोस करूं अला कौमिन काफिरीन, काफिर कौम पर। आयत नंबर 94, वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन, और नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में से,
किसी बस्ती में कोई नबी, मगर पकड़ लिया हमने इसके रहने वालों को साथ सख्ती के और तकलीफ के, शायद के वो यद्दरऊन, घिघराए, आजिज़ी इख्तियार करें। तो बासा और दर्रा कब आती है, सख्ती और तकलीफ कब आती है, ये दुनियावी मुसीबतें कब आती हैं, कि अल्लाह की तरफ हो जाए बंदा। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब मैंने किसी भी कौम पे अजाब डालने से पहले प्रॉफिट भी भेजा, पहला तरीका, और जब प्रॉफिट को नहीं माना तो मैंने उनपे छोटी छोटी तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां भी डाली कि वो अल्लाह की तरफ आ जाए। जैसे अब उम्मत मुस्लिमा पे आई हुई है, हर जगह पिट रहे हैं, पूरे पूरे शहर बर्बाद कर दिए गए हैं, अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ, इराक का क्या हाल हुआ। अब भी अगर हम अल्लाह से नहीं जुड़ते, तौबतुन नसूहा, पूरी कौम को करप्शन छोड़ के, हर जगह के मुसलमानों को करप्शन छोड़ के अल्लाह से ताल्लुक बनाना पड़ेगा, ये इसका हल है। कुरान को नाफिज करना पड़ेगा, ये इसका हल है, तो कुछ बात बनेगी, वरना ही अजाब का कूड़ा जो हम पे बरस रहा बरसता रहेगा। तुम बदलना मकानत सही, आ फिर बदल दिया हमने बदहाली की जगह खुशहाली को, यहाँ तक कि वो बढ़ गए और कहने लगे, तहकीक पहुंची हमारे बाप दादा को तकलीफ और खुशी, यानी। और दूसरी कंडीशन क्या होती है किसी कौम को, कि बुराई से आजमाइश होती है या नेमतों से आजमाइश होती है, खुशहाली आ जाती है। पहले आपके पास मुश्किल आई, मुश्किल खत्म हुई, खुशहाली आ गई, अब भी आप अल्लाह की तरफ जा सकते हैं, अब भी नहीं जाते। तो यहाँ पे किन का रवैया बताया जा रहा है, जो ये कहते हैं भाई ये तो दुनिया के होता है, इसमें क्या है, कभी आता है, कभी मसाइल होते हैं, कभी खुशियां होती हैं, अल्लाह की पहचान नहीं कर रहे वो इससे। दूसरे लफ्जों में ये कि अब इसमें अफरात और तफरी हो गई हमारे माशरे में, जलजला आता है, कहीं जलजला आ रहा है, बस ये कहेंगे फला जगह जलजला आ गया, वो अल्लाह का अजाब ही था ना। तो बिल्कुल ही ऐसे आप हुक्म लगाए, क्या पता अल्लाह ने वैसी आजमाइश डाली हो। कुछ लोग होते हैं जो जलजला आ रहा है उसको अल्लाह से नहीं जोड़ते, प्लेटें हिल रही थी, जमीन की प्लेटें हिलती हैं तो जलजला आ जाता है, नहीं उसके पीछे कोई हुक्मत हिकमत है, उसको ढूंढे, पहचाने उसे। ऐसी प्लेटें लेटे लेटे हिल गई, उनको कोई काम नहीं था हिलने के अलावा। तो ये सारी चीजें हैं, अफरात और तफरी करते हैं हम, तो ये चीजें जो बड़ी बड़ी मसाइब, परेशानियां, मुसीबतें, और छोटी छोटी भी जो इंडिविजुअली बंदों को आती हैं, इन सब में अल्लाह की कोई, अल्लाह की हिकमत कहीं छुपी होती है, वो हमें ढूंढना होती है, और अल्टीमेट हमने कनेक्शन बनाना है अल्लाह से, अल्लाह की तरफ पलटना होता है। हमारे ट्रेन के डब्बे पटरी से उतर रहे होते हैं तो एक झटका पड़ता है कि पटरी पे दोबारा चढ़ जाएं, तो अगर हम नहीं चढ़ते पटरी पे तो एक जो डब्बा उतरा होता है तो दूसरा भी उतरता है, तीसरा भी उतरता है, और फिर खसारा ही खसारा। आयत नंबर 96, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू, और अलबत्ता बेशक बस्ती वाले ईमान लाते और तक्वा इख्तियार करते, यकीनन खोल देते हम इन पर बरकतों को आसमान से और जमीन से, लेकिन उन्होंने झुटलाया, फिर पकड़ लिया हमने उनको बवजह उसके जो थे वो कमाई करते, क्या भला बेखौफ हो गए बस्ती वाले के आए इनके पास अजाब हमारा रात को और वो सो रहे हो, वहुम नाइमून, अव अमीन अहलुल कुरा, या क्या भला बेखौफ बस, या क्या भला बेखौफ हो गए बस्तियों वाले, क्या आए इनके पास अजाब हमारा चाश के वक्त, वहुम यलअबून, या तो बंदा सो रहा होता है या कुछ काम कर रहा होता है, चाश के वक्त दिन का वक्त जब दिन चढ़ता है, मोस्ट बिजी टाइम होता है। तो अल्लाह का अजाब तो किसी कभी भी आ सकता है, बंदे को किसी हाल में क्या नहीं होना, बेखबर नहीं होना, अपने मामला सीधे रखने। अफ अमीन मकरल्ला, क्या भला वो बेखौफ हो गए अल्लाह की चाल से, बस नहीं बेखौफ हुआ करते अल्लाह की चाल से मगर वो जो नुकसान उठाने वाले हो। आयत नंबर 100, अवलम यहदिल लदीना यरिसून अल अर्ध मिन बादी अहलिहा, क्या भला नहीं रहनुमाई की इन लोगों की जो वारिस हुए जमीन के इसके रहने वालों के बाद, मगर कि अगर हम चाहते पकड़ लेते इनको इनके गुनाहों के साथ और हम मोहर लगा देते इनके दिलों पर, बस वो ना सुन सकते। मतलब पिछली कौमें देखी हैं और उसके बाद भी सीधे नहीं हो रहे, अहले मक्का को भी बताया जा रहा है तुम उनके खंडरात से गुजरते हो फिर भी तुम अकल नहीं पकड़े, तिलका कुरा नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, ये बस्तियां हम किससे बयान कर रहे हैं तुझ पर इनके खबरों में से, और अलबत्ता तहकीक आए इनके पास रसूल, इनके रसूल रोशन निशानियों, खुली निशानियों के साथ, तो ना थे वो के ईमान लाते बवजह इसके जो उन्होंने झुटलाया इससे पहले, कदारी का ये तो अल्लाह अला कुलूबिल काफिरीन, इसी तरह मोहर लगा देता है अल्लाह दिलों पर काफिरों के। वमा वजदना लि अक्सरहिम मिन अहद, आयत नंबर 102, और नहीं पाया हमने इनमें से अक्सर के लिए कोई अहद, यानी पैगंबरों की भी अतात नहीं की, या अल्लाह के पास जो अहदे अलस कर कर आए उसका भी कोई ख्याल नहीं किया। वह इम वजदना अक्सर हम लफासिकीन, और बेशक पाया हमने अलबत्ता अक्सर इनमें से फासिक। सुम्मा बाअथना मिन बादिहिम मूसा, फिर भेजा हमने इनके बाद मूसा को अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी निशानियों के साथ फिरौन की तरफ और इसके सरदारों की तरफ, तो उन्होंने जुल्म किया, जुल्म किया निशानियों के साथ, क्या मौजजात को क्या कहा था, जादू कहा था, है ना, यद बैदा था, हमें पता है कि हाथ डालते थे गिरबान में, रोशन होकर बाहर आ जाता था जब गिरबान से निकालते थे, और असा फेंकते थे तो वो सांप बन जाता था, कभी अजदहा बनता था, कुरान में मुख्तलिफ उसकी जो कन्वर्ट हुआ है वो नाम आए हैं। फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुफसिदीन, पस देखो किस तरह हुआ अंजाम फसाद करने वालों का। वकाला मूसा या फिरौन, और कहा मूसा ने ए फिरौन, बेशक मैं रसूल हूँ रब्बुल आलमीन की तरफ से। आयत 105, हकीकुन अला अल्ला अकूला अलल्लाहि इलल हक, मैं लायक हूँ इस बात का कि मैं ना कहूँ अल्लाह के बारे में मगर हक बात,
तहकीक में लाया हूँ तुम्हारे पास एक दलील तुम्हारे रब की तरफ से, फअर्सिल माया बनी इसराइल, बस भेज दो मेरे साथ बनी इसराइल को। तो दो उनका असल में टारगेट क्या था कि एक तो उनका शिर्क खत्म करवाएं, जो उसका तकब्बुर था बेसिकली, वो खुद को खुदा कहता था और साथ में बछड़े की भी पूजा करता था और बुत बुत भी चल रहे साथ साथ समझे, और खुद को भी बड़ा। असल में तो जो बंदा खुद को अपने आप को कुछ समझता है उसके आगे कोई खुदा खुदा नहीं होता, वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी करता है दूसरी चीजों के साथ। दूसरी उनकी डिमांड थी हजरत मूसा की कि बनी इसराइल के साथ भेज दो। खाला इन कुंता जेता भी आयत इन फाती भी है इन कुंता मेरे सादिकीन, आयत 106। फिरौन ने कहा अगर तू लाया है एक निशानी तो इसको ले आ, अगर तू सच्चों में से ये नहीं हमें करके दिखाओ फिर क्या मौजा है। फलका साउ फैदा ये थुबान मुबीन, पस इसने डाला अपना असा तो यकायक वो एक अजदहा बन गया कुल्लम कुल्ला। वह नजा यदाहू, और इसने बाहर निकाला अपना हाथ यानी जेब में या ग्रेबान में हाथ डाला, फैदा या बैदा उल नाजरीन, तो वो चमकदार था रोशन था देखने वालों के लिए। कौल अल मलाउ मिन कौमी, आयत 109, कहा सरदारों ने उसकी कौम में से फिरौन की कौम में से, इन्ना हादा लसाहिरुन अलीम, ये तो बड़ा माहिर जादूगर है। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम फमादा तामुरून, ये चाहता है कि निकाल दे तुमको तुम्हारी जमीन से तो क्या कुछ तुम हुक्म देते हो। ये होती है पॉलिटिक्स, वहां बैठ के सरदार पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब आज देखें कि आज के दौर में बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जो दूसरी कौमों पे दूसरे के मुल्कों में गिर के बम गिराती हैं, वहां के रहने वाले जब रेजिस्ट करते हैं तो वो जो बम गिराने वाली कौमें वो कहते हैं कि हम दहशत गर्दी का खात्मा कर रहे हैं, ये लोग तो दहशत फैला रहे हैं, दीज आर टेररिस्ट, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। तो फिरौन के जो जत्था होगा ना, जो पीछे उसका पूरा ग्रुप होगा, बहुत सारे लोग इसमें हर जमाने से होंगे। कौलू अर्जे, उन्होंने कहा कि इसको ढील दो, अखा और इसके भाई को भी ढील दो और भेज दो शहरों में इकट्ठे करने वाले, यानी ये तो जादूगर लग रहे हैं, हम इनको इनका जोर तोड़ना पड़ेगा, हमें तो जोर तोड़ने के लिए क्या करें इनका कोई मुकाबला करवाते हैं। या तू का बिकुल्ली साहिर लीम, वो ले आएंगे तेरे पास हर जादूगर को जो बड़ा अलीम जानने वाला हो। वजह आज सहारा तू फिराउन, और आ गए जादूगर फिरौन के पास, कहने लगे क्या वाकई हमारे लिए भी कुछ अजर है अगर हम गालिब आ गए। फाला नाम, फिरौन ने कहा हाँ, और बेशक तुम अलबत्ता मेरे मुकर्रब लोगों में से हो जाओगे, यानी जादूगरों को जमा करवाया गया कंपटीशन करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, और जादूगरों ने कहा कि हमें भी कुछ चाहिए, हमें कुछ स्पेशल रिवॉर्ड चाहिए, तो उन्होंने कहा तुम मेरे दाएं हाथ टाइप के बंदे बन जाओगे। कालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकुना नहनु मुल्कीन, उन्होंने कहा या मूसा या तो तुम डालो या ये कि हम हो डालने वाले। कौला अल्कू, हजरत मूसा ने कहा कि तुम डालो, वो अपने साथ लाठियां लाए थे। ये एक तरीका होता है दुश्मन की ताकत देखने का, कि हजरत मूसा उनकी ताकत देखना चाहते थे कि इनके पास क्या चीज है, क्योंकि हजरत मूसा के पास तो मौजजा था, उनके पास जादू था। हजरत मूसा ने कहा चलो तुम दिखाओ। पहले तमाशा हुआ ये था कि ईद का दिन था और फिरौन ने सबको जमा कर लिया था, जितनी आसपास की बस्तियां सबको बुला लिया, फौज भी मौजूद थी, कि फिरौन बड़ा श्योर था कि ये हार जाएंगे मूसा और जो फितना मेरे खिलाफ खड़ा हुआ ये खत्म हो जाएगा। कौला अल्कू फलम्मा अल्काउ, तो जब उन्होंने डाला तो उन्होंने मशहूर कर दिया निगाहों को लोगों की और खौफ ज्यादा कर दिया इनको, और वो लाए जादू बहुत बड़ा है। उन्होंने जब लाठियां डाली तो वो सांपों की तरह नजर आने लगी, असल में जादू था, सबकी आंखों पे जादू हुआ। ठीक है, लाठियां तो लाठियां ही थी, जादू उन्होंने ऐसा किया कि सेहरिन अजीम, बड़ा जादू लेकर आए। वहीना इला मूसा, और वही की हमने मूसा की तरफ कि ये फेंको तुम अपना असा, फइदा हिया तलकफु मा याफिकुन, तो वो निगल रहा था इसको, वो जघड़ लाए थे, तो लाठी जब फेंकी ऐसा फेंका तो वो कोई असदा या बड़ा सांप बन गया और वो सबको निकलने लग गया। फवका अल हक, वो बतला मा कानू यामलून, तो साबित हो गया हक और बातिल हो गया जो थे वो अमल करते। फगुलिबू हुनालिका वानकलबू सागरीन, तो बस मغلوب हो गए इसी जगह और वो लौटे लौटे जलील होकर। व उल्किया सहरतु साजिदीन, और डाल दिए गए जादूगर सजदे में। तो जादूगर ने कैसे पहचान लिया, क्योंकि जादूगर जादू की लिमिट्स को जानते थे, उन्हें पता था कि जो मूसा कर रहे हैं वो जादू नहीं है, वो वाकई मौजजा है, उन्हें पता था कि ये जादू नहीं हो सकता। कालू आमन्ना बिरबिल आलमीन, जादूगर कहने लगे हम रबुल आलमीन पर ईमान लाए जो रब है मूसा और हारून का। कहा फिरौन ने तुम ईमान लाते हो इस पर इससे पहले कि मैं इजाजत दूं तुमको, बेशक हादा लमकर तुमु फिल मदीना, बेशक अलबत्ता ये एक चाल है, चाल चली तुमने इसकी मिस्र में यानी शहर में, ली तुखरिजू, ताकि तुम निकाल ले जाओ इससे इसके रहने वालों को, बस हम करीब तुम जान लोगे। यानी अब धमकी पे उतर आया फिरौन, फिरौन जबकि उसको होना ये चाहिए था कि ठीक है जादूगर ने पहचान लिया तो कंफर्म ये मौजजा है, वो तो जादूगरों को भी बुरा कहने लगा कि तुमने मूसा के साथ मिलकर चाल चली है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं करता क्या हूँ। लौकत अन्न आई दिया कुम अर्जुला को मेरे खिलाफ, अलबत्ता मैं जरूर काट दूंगा तुम्हारे हाथ और पांव तुम्हारे मुखालिफ सिन से, और अलबत्ता मैं जरूर सूली चढ़ा दूंगा तुम सबके सबको। कालू इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, उन्होंने कहा जादूगरों ने कहा कि बेशक हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं, धमकी का कोई असर नहीं हुआ उन पर। 126, और नहीं तुम नाराज होते हमसे मगर ये कि हम ईमान लाए निशानियों पर अपने रब की जबकि वो हमारे पास आ गए, और ए हमारे रब डाल दे हम पर सब्र। दुआ आ गई, बहुत प्यारी दुआ है, छोटी सी है,
रबना अफरीक अलैना सबरा, ए रब डाल दे, अफरीक खाली कर दे, उंडेल दे, यानी बहुत सब्र चाहिए हम पर, सब्र व तवफना मुस्लिमीन, और फौत करना हमें मुसलमान बनाकर। वकाल मलाउ मिन कौमी फिरौन, और कहा सरदारों ने कौमी फिरौन में से, क्या तुम छोड़ दोगे मूसा को और इसकी कौम को कि वो फसाद फैलाए जमीन में, और छोड़ दें तुझको तेरे इलाहों को। अब देख वही बात है ना, वो आके कह रहे हैं कि भाई ये देखो ये मेरे पास, मैं मतलब वो कुछ नहीं कर रहे, वो उन्होंने उसकी कोई बादशाही को चैलेंज नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मुझे कोई पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, उन्होंने कहा बनी इसराइल मेरे साथ भेज दो, खत्म खत्म कहानी, बस बनी इसराइल भेज दो मेरे साथ। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कौम युफ्सिदु फिल अर्ध, ताकि वो फसाद मचाए जमीन में, जो मैंने अभी आपको दौरे हाजिर की मिसाल दी, ये सारी बस ये सारी नफ्सियात है, तशाबहत कुलूबुहुम पढ़कर आए ना पीछे, दिल मिलते जुलते हैं, जमाने से फर्क नहीं होता, दिलों से फर्क होता है। कहा हम अनकरीब हम कत्ल करेंगे इनके बेटों को, और हम छोड़ देंगे इनकी औरतों को, और बेशक हम इनके ऊपर गालिब हैं। फौकहुम काहिरून, यानी वो कह रहा है जब जिस साल हजरत मूसा की पैदाइश, उस साल भी उसने ये किया था, और अब दोबारा पनिशमेंट के तौर पे कह रहा है बनी इसराइल के बच्चों की, लड़के जो पैदा होंगे गलों पे छुरी फिरवाना है। कौला मूसा ले कौमी ही, कहा मूसा ने अपनी कौम से, इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, मदद चाहो अल्लाह से और सब्र करो, बेशक सारी जमीन अल्लाह ही के लिए है, यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, वो वारिस बनाता है इसको जिसको चाहता है अपने बंदों में से, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, और अंजाम तकवा वालों का है। तो दुनिया में मुसीबत आ रही है, बहुत शदीद परसिक्यूशन थी उनके लिए, बहुत शदीद अजाब था, किसी के घर बच्चा पैदा हो रहा है, उसके सामने गला काटा जा रहा है उसका, तो पहले से ही लोग मौजूद होते, डिलीवरी के वक्त ही बाहर गार्ड खड़े होते थे, अंदर जो आया होती थी या खातून होती थी वो बताने, बस उसका काम होता था बताने लड़का पैदा हुआ या लड़की, बहुत शदीद वो था। तो उन्होंने बहरहाल सब्र किया हजरत मूसा के कहने पे। कालू उजीना मिन कबल, उन्होंने कहा कि हम अजियत दिए गए इससे पहले भी कि तू आता हमारे पास, और इसके बाद भी कि तू आया हमारे पास, यानी पहले भी हमारे साथ ये हो रहा था, गले कट रहे थे, अब भी हो रहा है। काल ऐसा रब्बुकुम अय्युहलिका अदुव्वकुम वयस्तख्लिफकुम फिल अर्ध, तो हजरत मूसा ने फरमाया करीब है कि तुम्हारा रब हलाक कर दे तुम्हारे दुश्मन को और खलीफा बना दे तुमको जमीन में, फिर वो देखे कैफा तअमलून, किस तरह तुम अमल करते हो। वल्लाही पूरी आयत ऐसे लगती है कि दौरे हाजिर में इसराइल के ऊपर है, वहां इसराइलियों के गले कट रहे थे उसी जमीन में, मिस्र शाम ये सब एक ही था पहले, फिरौन काट रहा था। हजरत मूसा कह रहे हैं अल्लाह तुम्हें इस वो बनाएगा किसी दिन, इसका क्या बनाएगा, जमीन का वारिस बना देगा, सारी जमीन अल्लाह के लिए, फिर अल्लाह देखेगा तुम क्या करते हो। फयंजुर कैफ तअमलून, तब से लेकर अब तक शायद पहली दफा ऐसे, ईसाइयों में मुसलमानों में तो जमीन पे बहुत झगड़े हुए, जो जितना मुझे पता है, हो सकता है बहुत अच्छा ना पता हो, अल्लाह आसानी करे मेरे लिए, अब पहली दफा ऐसा हुआ है कि इनके हाथ में अख्तियार है, और पिछले ये 1947-48 से मुस्तकिल गले काट रहे हैं अरबों के। तो अल्लाह ने कहा है कैफ तअमलून, कैसे तुम अमल करते हो, नहीं ठीक है ना, ये अल्लाह ताला दिखा रहे हैं। वलकद अखजना आले फिरौन, और बल्दा तहकीक पकड़ा तुमने, पकड़ा हमने आले फिरौन को कहत के साथ और कमी, फलों की कमी के साथ, शायद कि वो नसीहत पकड़े, वही अल्लाह की जो सुन्नत है कि थोड़ी सी मुश्किल डालते हैं कौमों पे। फैदा जातहुमुल हसना, फिर जब आई इनके पास खुशहाली, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए, यानी हमारी अपनी कोशिश से हम तरक्की कर रहे हैं, वही तुसी हम सही है, और जब आती है उन पर कोई बुराई तो वो उसकी बुरा फल निकालते हैं मूसा से और जो उनके साथ है उनके साथ, ये इनकी नहुसत है, ये बनी इसराइल और मूसा की नहुसत से हम पे ये कहत आ गया, ये अजाब आ गया, और जब कुछ अच्छा आता तो कहते हैं हमारा इरीगेशन सिस्टम है, हमारा प्लांट है, हमने लगाया, हम मेहनत करते हैं इसलिए हम तरक्की कर रहे हैं, ये उनकी बताई जा रही है, लेकिन ये इंडिविजुअली भी हम सब में मौजूद होता है, क्रेडिट खुद लेते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं नेमतों के वक्त। अल्लाह इन्नमा तौईरुहुम इंदल्लाह, बेशक खबरदार, बेशक इनकी फाले बद अल्लाह के पास है, लेकिन मैं इसे अक्सर नहीं जानते, आयत नंबर 132। और उन्होंने कहा जो भी तू लाएगा हमारे पास, यानी आले फिरौन कह रही है हजरत मूसा से, जो भी तू लाएगा हमारे पास इसकी कोई भी निशानी तो तू मशहूर कर देगा हमको इसके साथ, फमा नहनु लका बिमुमिनीन, तो हम तेरे लिए ईमान लाने वाले नहीं है, यानी तू कुछ भी कर ले हम नहीं मानेंगे, कुछ भी कर ले, मुराद ये हमने अपने जहन में बात बिठा ली कि तू जादूगर है, तू हमें मशहूर करेगा और हम ईमान लाने वाले नहीं है। फरसलना अलैहिम तूफान, तो भेजा हमने इन पर तूफान, ये कजाब इन पे तूफान का आया, वल जराद और टिड्डी दल, इनकी फसलें वसलें सब चट कर गए वो, वल कुम्बला और जुएं, हर चीज में जुएं थी, सर में, बालों में, कपड़ों में, बिस्तर में, वह दफा दे मेंढक, मेंढक का भी यही हाल था, हर जगह बर्तनों में मेंढक उछल रहे हैं, वह दम और खून, पानी खून बन जाया करता था, आयात मुफसलात, निशानियां वक्फे वक्फे से, यानी ऐसा नहीं है एक साथ आ गई हूँ, वक्फे वक्फे से आएंगी। अल्लाह ने, मैंने कहा ना कि हर कौम की एक मोहलत होती है, अल्लाह ने इनको एक मोहलत दी आले फिरौन को, बाद में गर्क किया, उस मोहलत में इनको अजाब आए कि पलट जाए। बस तकबरू, तो उन्होंने तकबर किया और वो थे ही लोग मुजरिम, जुर्म के आदी थे, मुजरिम कौन है, इस्म आ रहा है यहाँ, ये भी बात लंबी हो जाएगी, कहीं फेल आता है जुर्म करने वाला, ये फेल होता है, और मुजरिमीन इस्म है, दोनों का माना एक ही है,
तो जो जुर्म करते हो और जुर्म करने वाले, बात तो एक ही हुई, लेकिन कहीं अल्लाह इस्म वाली कंडीशन लाते हैं, कहीं अल्लाह फेल वाली लाते हैं। जो ग्रामर पढ़े हुए उनका अंदाजा होगा, मुजरिमीन इसमें एक चीज की तकरार होती है, मतलब एक चीज का हमेशा होना साबित होता है। मुजरिमीन का मतलब है वो आदि ही थे जुर्म के। जब तर्जुमा करेंगे तो सिर्फ मुजरिम लिखेंगे, लेकिन इसको अगर आप वैसे ग्रामेटिकली समझेंगे तो इसका मतलब है कि वो जुर्म करना उनके अंदर रचा बसा था, वो आदि थे जुर्म करने के। वलम्मा बका अलैहिम रिज, जब वाकई हो गया इन पर अजाब, कहने लगे ए मूसा दुआ कर हमारे लिए अपने रब से, साथ इसके जो उसने अहद लिया तेरे पास ही नहीं, तेरा रब तो तेरी दुआएं कबूल करता है, तो ये हम पे जब भी कोई अजाब आता है तो वो आ जाते थे कि आप दुआ करें अजाब दूर हो जाए तो हम ईमान ले आएंगे। लाइन कशफ्ता, अलबत्ता अगर तूने टाल दिया हमसे अजाब को, अलबत्ता हम जरूर ईमान ले आएंगे तेरे लिए, और अलबत्ता हम जरूर भेजेंगे तेरे साथ बनी इसराइल को। फिर जब हटा देते थे हम इनसे अजाब को एक मुकर्रर वक्त तक के लिए, तो वो पहुंचने वाले थे इसको, यक इदाहुम यंकुसून, अलबत्ता वो तोड़ने लगते, नहीं अपना अहद तोड़ देते। फंतकमना मिनहुम, तो इंतकाम लिया हमने इनसे, फिर गर्क कर दिया हमने इनको समंदर में, क्योंकि उन्होंने झुटलाया था हमारी आयात को और थे वो इनसे गाफिल। आयत नंबर 137। व अवरसनल कौमल लदीन कानू युस्तदअफून, और वारिस बना दिया हमने इस कौम को, थे वो कमजोर समझे जाते जमीन के मशरिकों में और इसके मगरिबों में। ठीक है, बाद में यहूदियों को मिल गई ना सारी वो जमीन, वो तो सारे डूब डाब गए सारे। अल्लाह ती बारकना फीहा, इस जमीन में जो बरकत दी हमने इसमें, फलस्तीन की जमीन में क्या बरकत है, बहुत से प्रॉफिट आए फलस्तीन की जमीन में, और बहुत से बहुत सब्जा है वहां पे, आपको पता है जरखेज जमीन है। वतम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना, और पूरी हो गई बात तेरे रब की भलाई वाली बनी इसराइल पर, बवजह उसके जिन्होंने सब्र किया, बीमा सबरू। वदम्मरना मा काना यस्नाउ फिरौन, और बर्बाद कर दिया हमने जो किया करता था फिरौन और इसकी कौम, और जो कुछ वो करते थे और जो कुछ वो छतों पर चढ़ाते थे, यानी बड़ी बड़ी बुलंद इमारतें भी बर्बाद कर दी, और जो अंगूर की बेलें ये सब छत ऊंची चढ़ाई जाती है ना, तो उनकी खेतियां फसल सब बर्बाद हो गई। वह जावजना भी बनी इसराइल, और गुजार दिया हमने बनी इसराइल को समंदर से, तो वो आए एक कौम पर झुके हुए थे, जमे बैठे थे ऊपर बुतों के अपने। ठीक है, अब ये पूरा वाकया पूरा तरतीब से यही है कि फिरौन समंदर पीछे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेके निकले, लाखों की तादाद में पीछे फिरौन सबको जमा करके ले आया, औरतें बच्चे भी निकाल के ले आया, जरा मैं इनका हशर करूंगा ना तो सब देखेंगे मैं कैसा इनको मिटाता हूँ। अब वो समंदर क्रॉस कर गए, हजरत मूसा ने ऐसा मारा समंदर फटा, समंदर क्रॉस कर गए, जब ये फिरौनी बीच में आए समंदर का पानी वापस में मिल गया। अब हजरत मूसा तूर पे जाने लगे, अब रास्ते में तूर मतलब उस सहराय सीना में है ट्रेवल कर रहे हैं, तो पहला अब ये होता है, बाद में फिर तूर पे भी गए, पहला स्टेप क्या होता है कि बनी इसराइलियों को लोग नजर आते हैं जो बुतों की पूजा कर रहे हैं। कालू या मूसा जाल लना इलाहन कमा अलहुम आलिहा, उन्होंने कहा है मूसा हमारे लिए भी कोई ऐसा इलाह बना दो जैसे इन लोगों के लिए, यानी कोई ऐसा गॉड बनाओ जो नजर आए, वो बुत था ना नजर आ रहा था। कला इनकुम कौमुन तजहलून, हजरत मूसा ने कहा बेशक तुम ऐसी कौम हो जो जहालत बरत रही हो, अल्लाह की अजमत मार्फत बड़ाई इसके बदले तुम्हें एक पत्थर का बुत चाहिए। इन्ना हा उलाई मुतबर्रुम माहुम फी व बातिलुम मा कानू यअमलून, ये लोग बर्बाद होने वाले हैं जिसमें वो मुब्तला हैं, यानी उस कौम की तरफ इशारा करके कहा, और बातिल होने वाला है जो कुछ वो अमल कर रहे हैं। आयत 140। कौला गैर अल्लाह अबगीकुम इलाहुम वहुवा फद्दलकुम अला आलमीन, क्या अल्लाह के सिवा मैं तलाश करूं तुम्हारे लिए कोई इला, हालांकि इसने फजीलत बख्शी तुमको जहान वालों पर, और जब निजात दी तुमको आले फिरौन से, वो चखाते थे तुमको बुरा अजाब, कत्ल कर देते थे तुम्हारे बेटों को और जिंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को, और इसमें आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। आयत 142। वादा मूसा 30 लैला, और वादा किया हमने मूसा से 30 रातों का, और हमने पूरा किया इसको 7-10 के, तो पूरा हो गया वादा मुकर्रर वक्त इसके रब का 40 रातों का। 30 दिन के लिए बुलाया था तो अपनी कौम से 30 दिन का कहकर आए थे, कोहे तूर पे गए थे, और अपनी कौम के पास हजरत हारून को छोड़ के गए थे जिनको खुद इन्होंने अल्लाह से सिफारिश करके प्रॉफिट बनवाया था। ठीक है, वकाल मूसा, और 10 दिन जब इजाफी हो गए तो 40 दिन हो गए। वकाल मूसा यही, और कहा मूसा ने अपने भाई हारून से, जानशीनी करना मेरी मेरी कौम में और इसलाह करना, और तुम पैरवी ना करना फसाद करने वालों के रास्तों की। वलम्मा जाआ मूसा लिमीकातिना, और जब आए मूसा अलैहि सलाम हमारे मुकर्रर वक्त पर और कलाम किया इससे, इसके रब ने बोले ए मेरे रब, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ए मेरे रब दिखा मुझको, मैं देखूं तेरी तरफ। कौल लन तरानी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तू मुझे हरगिज नहीं देख सकेगा, वलाकिन इंजुर इलल जबल, लेकिन तुम देखो इस पहाड़ की तरफ, फिर अगर वो कायम रहे टिक जाए अपनी जगह पर तो अनकरीब तुम मुझे देख लोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल, तो जब तजल्ली की इसके रब ने पहाड़ की तरफ कर दिया इसको रेजा रेजा, वखर्रा, और गिर पड़े मूसा अलैहि सलाम साइका, बेहोश होकर। ठीक है, क्यों देखा था, जब आप बात करते हैं जिससे बहुत मोहब्बत करते हैं तो आपका दिल चाहता है ना देख भी ले, तो हजरत मूसा ने मोहब्बत में कहा कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। ठीक है, हमारी आंखें बनी नहीं है दुनिया में, मोमिनीन की आंखों को नूर दिया जाएगा आखरत में, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी कहा जाता है उन्होंने मेराज पे अल्लाह को देखा, तो हजरत आयशा की हदीस मौजूद है
कि जिसने ये कहा कि अल्लाह ने आप सल्लम ने मिराज पे मोहम्मद सल्लम सॉरी मोहम्मद सल्लम ने मिराज पे आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखा, तो उसने झूठ कहा। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने की हदीस मौजूद है। तो दुनिया में किसी की आंखों में इस्तात नहीं अल्लाह को देख सके। फलम्मा फाका, पर जब बेहोश जब होश में आए, अर्ज की सुभानक, पाक है अल्लाह रब्बुल इज्जत तू, मैं तौबा करता हूँ तेरी तरफ। वाना अव्वलुल मोमिनीन, और मैं सबसे पहला ईमान लाने वालों में से हूँ। काला या मूसा इन्नी इस्तफईतुका अला नासी बिरिसालती व बिकलामी, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा बेशक मैंने चुना तुझको लोगों पर अपनी पैगाम के साथ और अपने कलाम के साथ। फखुज मा आतैतुका वकुम मिन शाकिरीन, बस ले लो जो मैंने तुझको दिया और हो जा शुक्र करने वालों में से। वकतबना लहू फिल अलवा, और लिख दिया हमने इसके लिए तख्तियों पे। ये तौरात दी जा रही, असल तौरात ये है, बाद में क्या गुडर मुडर हो गई, कुछ तख्तियां दी गई थी। कुरान कलामुल्ला है, अल्लाह का कलाम है, बात है। तौरात कलामुल्ला थी नहीं, थी मकतूब थी, तख्तियां लिखी हुई थी। तो तख्तियां दी गई और लिख दिया हमने इसके लिए तख्तियों में हर चीज, नसीहत और तफसील हर चीज के लिए। फकुज हाँ, बस पकड़ो इसको मजबूती के साथ, और हुक्म दो अपनी कौम को वो भी पकड़े इसके बेहतरीन हिस्से को, यानी तौरात को फॉलो करना है। तौरात में कवानीन थे, तौरा कहते ही लॉ को है इब्रानी जबान में, इब्रानी जबान में थी। सऊरीकुम दारुल फासिकीन, अनकरीब में दिखाऊंगा तुझको फासिकों का घर, आयत 146। सासरीफ उन आयाती है लदीन ये तकबरून फिल अर्ज बिगैर हक, और अनकरीब में फेर दूंगा अपनी निशानियों से इन लोगों को जो तकबर करते हैं जमीन में ना हक। और अगर वो देखें हर निशानी, नहीं वो ईमान लाएंगे इसके साथ, और अगर वो देखें रास्ता हिदायत का, नहीं बनाएंगे इसको रास्ता, और अगर वो देखें गुमराही का रास्ता, वो बना लेंगे इसको रास्ता। ये कौन है मुतकबरीन, रहली कभी अन्नहुम कद्दबू भी आया थी ना मकानू गाफिलीन, ये बवजह इसके कि उन्होंने झुटलाया हमारी आयत को और वो इससे गफलत बरत रहे थे। आयत नंबर 147, वलजीन कद्दबू भी आया थी ना, और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी निशानियों को और मुलाकात को आखरत की, जाया हो गए इनके आमाल, यानी अच्छे अच्छे काम भी जाया हो जाएंगे अगर अकीदा आखरत नहीं है और अल्लाह की आयत को झुटला रहे। कुरान पे ईमान नहीं लाता कोई तो फिर क्या मामला है उसका, देखे हल ये जोना इल्ला मा कानू यामलून, क्या वो जजा पा सकते हैं सिवाय इसके जो वो थे करते। वत्तखज़ा कौम मूसा मिन बादी मिन हुलीहिम इजलन जसदल लहू खुआर, और बना लिया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इनके पीछे से अपने जेवरात में से एक बछड़ा, जिस्म वाला जिसकी आवाज थी। सामरी हजरत मूसा की कौम में से ही था, जब आले फिरौन डूबे हैं तो उनके जेवर रिवायात से आता है कि जेवर आकर किनारे पर लग गए थे, तो वो सारे बनी इसराइलियों ने उठा लिया। अब इतने सारे जेवर थे सरदारों के पास रखवा दिए, कुछ रिवायत में मुफस्सरीन ने ये भी तफसीर किए। फिर वो जेवर को मेल्ट करके हजरत मूसा तो कोहे तूर पे गए हुए थे, तो सामरी ने एक बछड़ा बना लिया, उसमें कोई हवा का पैसेज जैसे बनाया कि जब हवा दाखिल होती तो एक आवाज सी पैदा होती, और वो उन्होंने इसको सबने तो नहीं कुछ ने पूछना शुरू कर दिया। अलम यरा अन्ना हु, क्या नहीं देखा उन्होंने कि बेशक वो नहीं कलाम करता उनसे और नहीं वो रहनुमाई करता इनकी तरफ रास्ते की। नहीं, बछड़ा बात थोड़ी कर रहा है, पागल है क्या, बेवकूफ है क्या, हवा गुजर रही है तो उसमें से आवाज आ रही है। हमें भी होता है ना, मुकद्दस मान लेते हैं, वो पत्थर उठाया, कुछ चैनल है हमारे में देख रही थी, पत्थर उठाया, पत्थर उठाएंगे, चैनल चैनल पे आ रहा है, पाकिस्तानी चैनल पे, ये पत्थर उठाएं ये हल्का होगा तो इसका मतलब है आपने जो ख्वाहिश की पूरी होगी, वापस रख दिया। अब दोबारा उठाएं अगर ये भारी है तो आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, और वो उठा रहे हैं और वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको मुकद्दस मान लिया, एक के बाद दूसरा उठा रहा है, दूसरे के बाद तीसरा उठा रहा है। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इत्तखज़ू, उन्होंने बना लिया उसको, व कानू ज़ालिमीन, और थे वो ज़ालिम। वलम्मा सुक़िता फ़ी अय्दीहिम, फिर जब वो गिराए गए अपने हाथों में, नहीं जब पशेमान हुए, वरा ओ अन्ना हम कद्दलू, और उन्होंने देखा कि वो भटक गए, पीछे बहुत सारा कुछ हुआ है, वो हम जब तफसील आएगी सूरत आहा में आएगी गालिबन, हम तभी पढ़ेंगे। यानी बस जब उनका ये शिर्क वगैरह खुल गया और उन्हें अफसोस हुआ, तो قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين, कहने लगे यकीनन अगर ना रहम किया हम पर हमारे रब ने और ना बख्शिश फरमाए हमारी, अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे नुकसान उठाने वालों में से। वलम्मा रजा मूसा इला कौमी गद्बाना असीफा, जब लौटे मूसा अलैहि सलाम अपनी कौम की तरफ, गद्बाना असीफा, गद्बान कहते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत गुस्सा था और असीफा अफसोस भी था। कौल अभी समा खलफतुमुनी, तो सबसे पहले तो जाके अपने भाई को पकड़ा, सीधी सी बात है, जिसको मुंतजिम बना के गए थे उससे पूछते ना भाई क्या हो रहा है मेरी कौम में, ये तो बछड़ा बना के पूजा हो रहा है। कहने लगे कितनी मेरे बाद तुमने कितनी मेरी बुरी खिलाफत की, अजल तुम अमरा रब्बी को, क्या जल्दी की तुमने अपने रब के हुक्म से। अच्छा ये पूरी कौम से खिताब है, बोले कितनी बुरी है जो तुमने जानिशीनी की मेरी मेरे बाद, क्या जल्दी की तुमने अपने रब के हुक्म से, यानी मैं रब के हुक्म से मैं तुम्हारे लिए कवानीन लेने गया हूँ और उस अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, या इन शॉर्ट ये कि तुमसे सब्र नहीं हुआ, लेट नहीं भी हुआ, दोनों कंडीशन है। मुफस्सरीन जो भी इसकी तफसीर बेहतर समझे करे, राय बहरहाल है, तो तुमने खलक तुमूनी, तुमने क्या किया ये मेरे बात, तुमने बछड़ा ही बना लिया। अलकल अलवा, और उन्होंने डाल दी तख्तियां, अलका का मतलब होता है फेंकना एक तरह से, जो गुस्से में रख देना, तो तख्तियां जो तौरात लाए थे उसे रखा साइड पे। अखजा बिरासी, अब मुखातिब हुआ अपने भाई की तरफ, कोई तुम्हें बना के गया था मैं जिम्मेदार। ये जुर्रू हुई लही, वो खींचने लगे अपनी तरफ, सर पकड़ के सर के बालों से खींचने लगे। कौल अपना उम्मा,
उनके भाई ने कहा, हारून अलैहि सलाम ने कहा, बड़े भाई थे इनके, ए मेरी माँ के बेटे, मुखातिब नाम से नहीं कर रही, मतलब मेरी तुम्हारी माँ एक ही, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, ए मेरी माँ के बेटे, बेशक कौम ने कमजोर समझा मुझको और करीब था कि वो कत्ल कर देते मुझको, बस ना खुश करो मुझ पर दुश्मनों को और ना तुम शामिल करो मुझको जालिम कौम के साथ। यानी मैंने इनको समझाने की कोशिश की, अगर मैं इनको ज्यादा समझाता तो ये मुझे कत्ल करते, तो जो मेरे साथ ग्रो था उनमें और जो ये शिरक कर रहे हैं इनके दरमियान झगड़ा होता तो आपस में क्या होती, खाना जंगी हो जाती, खाना जंगी होती तो आप वापस आते तो लाशें ही लाशें होती, तो इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया, उन्होंने समझाया अपने भाई को, और रब्बी फिरली वाकई, हजरत मूसा को बात समझ आई, कहने लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्श दे मुझे और मेरे भाई को और दाखिल कर दे हमें पीराना से, और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। एक रुकू हम और करेंगे, वी हैव टाइम। इन्नल्लज़ीना तखज़ू इजला सयाना लूहुम गदमु मिन रब्बिहिम, बेशक वो लोग जिन्होंने बना लिया बछड़े को, अनकरीब पहुंचेगा इनको गुस्सा इनके रब की तरफ से और रसवाई दुनिया की जिंदगी में, और इसी तरह हम बदला देते हैं झूठ बांधने वालों को। अब ये क्या हुआ था, कत्ल किया था जिन्होंने बछड़े की पूजा की थी, ये इर्तदाद की सजा है, मुर्तद होने की सजा। अब जिस तरह रजम की सजा है उम्मत मोहम्मदी हजरत मूसा वाली फॉलो करती है, मुर्तद होने की भी सजा भी बेसिकली हम हजरत मूसा वाली ही फॉलो करते हैं, हमारी शरीयत में उनकी ही है। आयत नंबर 153, वल्लदीन अमिलु सय्यिआत, और वो लोग जिन्होंने अमल किए बुरे फिर तौबा कर ली इसके बाद और ईमान लाए, बेशक तेरा रब इसके बाद अलबत्ता बख्शने वाला मेहरबान है। वलम्मा सकत, और जब चुप हुआ खत्म हुआ मूसा से गुस्सा, फिर पकड़ी उन्होंने तख्तियां, और इसमें इसके मजामीन में हिदायत थी और रहमत थी इन लोगों के लिए वो जो अपने रब से डरते हो। आयत 54-55, वख्तारा मूसा कौमा 70 रजुला, और चुन लिया मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम से 70 लोगों को हमारी मुलाकात के लिए। देखिए इसकी मुख्तलिफ तफसीर बयान की जाती है, कौन से, तो वो 70 लोग में एक तफसीर आपको बता देती हूँ, जब तौबा की गई और उन लोगों को सजा दे दी गई जिन्होंने बछड़े की पूजा की थी, तो अब कौम के जो बड़े बड़े सरदार थे, एक जैसे कहते ना ऑफिशियली तौबा करना है ना, तो उनको जमा करके कहाँ लेके गए, कोहे तूर पे लेके गए कि वहां पे जाके तौबा करेंगे। एक रिवायत ये भी, एक तफसीर ये भी की गई है कि इन्होंने कहा था कि अरिना अल्लाह जहरा, हमें अल्लाह को वाजे देखना है तो हम तौरात पे यकीन करेंगे, तो ये भी तफसीर बहरहाल मौजूद है, और भी हो सकता है तफासीर हो। फलम्मा खज़तहुम रजफा, फिर जब पकड़ लिया इनको जल्जले ने, जरिए जब कोहे तूर पे पहुंचे वो 70 बड़े बड़े लोगों को लेकर, तो जल्जला आ गया और वो सारे बंदे मर गए। कहा रबी लो अहलकता हूँ मिन कबलू व यही, ए मेरे रब, हजरत मूसा फरमाते हैं, ए मेरे रब अगर तू चाहता तो तू हलाक कर देता इनको, इनको भी और मुझको भी इससे पहले, यानी इस मौके पे हलाक कर रहा है हमें। अब यहाँ से तौबा वाली तफसीर सही लगती है, मिलती जुलती लगती है, क्योंकि वहां जैसे उनको सजा दी है, उन लोगों की गर्दनें काटी जिन्होंने शिर्क किया, तो इनकी भी कट जाती वहीं पे, यहाँ आके हलाक करने में क्या है, यानी मैं तो कहते हैं अतुली को ना बीमा, क्या तू हलाक करता है हमें जिसके बावजूद उसके जो कुछ बेवकूफ नहीं किया हमें से, इन्हीं अल्लाह फितना तुक नहीं है मगर ये आजमाइश तेरी तरफ से। आजमाइश किया जब हजरत मूसा कोहे तूर पे थे, पीछे से बछड़े की पूजा शुरू हुई थी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया था मूसा को, मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम को, कि मूसा तेरी कौम फितने में पड़ चुकी है। तो वो एक तरह से जैसे हम बोलते ना अच्छा ये वो है, तो इसकी एक तफसीर ये भी है कि वो कह रहे हैं इन्हीं अल्लाह फितना तुक, ओहो ये तो अल्लाह आजमाइश थी, ये उसी आजमाइश का हिस्सा है, ये बछड़े वाला किस्सा ही चल रहा है जो 70 आकर यहाँ मर गए। तुदिल्लु बिहा मन तशा व तहदी मन तशा, तू भटकाता है इसके साथ जिसको तू चाहता है, तू हिदायत देता है जिसको तू चाहता है, तू ही दोस्त है सरपरस्त है हमारा, बस बख्श दे हमको और हरहम फरमा, और तू अंता खैरुल गाफिरीन, खैरुल राहिमीन आता है, खैरुल गाफिरीन, इस वक्त किस चीज की जरूरत है, बख्श दे हमें, माफ फरमा दे, खैर अंता खैरुल गाफिरीन, वक्तुब लना फी हादिही दुनिया हसना, और लिख दे हमारे लिए इस दुनिया में भलाई, हजरत मूसा की दुआ आ गई, वो फिल आखिरा और आखिरत में भी, बेशक हमने तौबा की तेरी तरफ, फरमाया मेरा अजाब मैं पहुंचाऊंगा इसको जिसको मैं चाहूंगा, और मेरी रहमत छाई हुई है हर चीज पर, पसंद करीब इन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं, देते हैं जकात, और वो लोग जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं, वो लोग जो जो पैरवी करते हैं रसूल नबी की, अल उम्मी जो कि उम्मी है, वो जो पाते हैं इसको लिखा हुआ अपने पास तौरात में और इंजील में, और वो हुक्म देता है इनको नेकी का, और वो रोकता है इनको मुनकर से, और हलाल करता है इनके लिए पाकीजा चीजें, और हराम करता है इन पर नापाक गंदी चीजें, और दूर करता है इनके इनके बोझ, ये सारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात आ रही हैं इन लोगों, जो लोग इस पे मानेंगे, तौरात इंजील में सिफात हैं, जो इनको मारेंगे मानेंगे इन सिफात को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे, उनके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं। वल अगलाल लती, और तवा तौक और बेड़ियां वो जो थी इन पर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पिछली उम्मतों पे ये जो यहूद के हवाले से आई हराम कर दी चीजें, ये सब करेक्शन किया आके। फल्लज़ीना आमनू भी, तो वो लोग जो ईमान लाएंगे इस पर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वअज़्ज़रूह और इसको कुव्वत देंगे, या पास्ट में तर्जुमा कर लें, और उन्होंने कुव्वत दी इसको, वनसरू और मदद की इसकी, वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मा, और उन्होंने पैरवी की उस नूर की, नूर कौन सा आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान आया वो जो उतारा गया इसके साथ, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हैं वो जो फलाह पाने वाले हैं। तो ये
पला पाने वालों का तस्करा हुआ। यहाँ हमारे नौ रुकू अलहमदुल्ला मुकम्मल हुए, सूरत आराफ और नवा पारा हमारा चल रहा था। इंशाल्लाह अगले पारे में कल मुलाकात करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.